बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज CVS अनकी फ्लैश कार्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके, तो एट्रियल फिब्रिलेशन इज़ द मोस्ट कॉमन सस्टेंट एरिथमिया। तो मोस्ट कॉमन सस्टेंट एरिथमिया होता है, इसमें एट्रिया के अंदर मल्टीपल फोकाई होते हैं जो कि बहुत बार बार कंटिन्यूसली फायर कर रहे होते हैं। अब इसके क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर आपने याद रखना है कि इसमें JVP बढ़ जाती है लेकिन कोई ए वेव नहीं आती, इरेगुलरली इरेगुलर पल्स होती है, कोई पी वेव नहीं होती, और जो QRS इंटरवल होता है इरेगुलरली इरेगुलर होता है। मोस्ट कॉमन काजेज हाइपर टेंशन। ओके, सही हो गया। और अगर ब्लंट ट्रॉमा होता है और ब्लंट ट्रॉमा की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, दिस इज कॉल्ड कोमाशियो कार्डिस। ओके, अब इसके काजेस के अंदर ना इसमें QRS नॉर्मल होता है लेकिन इरेगुलरली स्पेस पे पड़ा होता है, और इसके काजेस का जो निमोनिक है वो पायरेट्स होता है, पी से पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आई से स्कीमिक हार्ट डिजीज, आर से रोमैटिक हार्ट डिजीज, ए से एट्रियल मिक्सोमा, टी से थायरोटॉक्सिकोसिस, ई से एथेनॉल, एस से सेप्सिस। जबकि क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन ये हाइपरटेंशन की वजह से होती है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से देखने को मिलती है। ओके, आई थिंक मुझे इसको दूसरे मोड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ओके, इस तरह देखने में आसानी होती है। तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद कॉजेज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन निमोनिक ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके, पायरेट्स और क्रॉनिक पे हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। इसकी तीन तरह की टाइप्स होती है, प्रोक्सिमल, परसिस्टेंट और परमानेंट है। जो प्रोक्सिमल होता है ये इंटरमिटेंट होता है, सेल टर्मिनेटिंग होता है, एक हफ्ते में खुद ब खुद खत्म हो जाता है। परसिस्टेंट एक हफ्ते से ज़्यादा का होता है। और इसको ठीक करोगे आप कैसे, बीटा ब्लॉकर से या केमिकल या इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन से। जो परमानेंट होता है एक साल से ज़्यादा के ड्यूरेशन पे होता है जब कार्डियोवर्जन फेल हो जाती है। अब जो उसका ट्रीटमेंट होता है ना परमानेंट वाले का, उसका रेट कंट्रोल होता है और रिदम कंट्रोल होता है। रेट कंट्रोल के अंदर आपने BCD इस्तेमाल करना है, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायजोक्सिन है। रिदम को कंट्रोल करने के लिए अगर एट्रियल फिब्रिलेशन अगर 48 आवर्स से कम है तो इस केस में आपने IV हेपरिन और कार्डियोवर्जन करना होता है। अगर 48 से ज़्यादा का है तो एंटी कोगुलेशन 3 वीक्स तक, फिर कार्डियोवर्जन, फिर दोबारा एंटी कोगुलेशन। आई थिंक बल्कि आगे आएगा, सही है। अब तमाम एरिथमियाज के अंदर आपने एक चीज़ पढ़नी है, वो है हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी। यानी अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है ना, अनस्टेबल का क्या मतलब होता है, हाइपोटेंशन है, HCDC से याद रखना है, हाइपोटेंशन, चेस्ट पेन, डिस्पनिया और कन्फ्यूजन है। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो आपने कार्डियोवर्जन करना होता है या फिर डीफिब्रिलेशन करनी होती है। कार्डियोवर्जन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल शॉक होता है वो QRS कॉम्प्लेक्स के सिंक्रोनस दिया जाता है, यानी सिंक्रोनस DC शॉक को हम बोलते हैं कार्डियोवर्जन, और जो नॉन सिंक्रोनाइज DC शॉक होता है इसको बोलते हैं डीफिब्रिलेशन होता है। कार्डियोवर्जन जो डिस एरिथमियाज को टर्मिनेट कर देता है, डीफिब्रिलेशन डिस एरिथमियाज को नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट कर देता है। कार्डियोवर्जन के जो इंडिकेशन है वो ऑलमोस्ट सारे के सारी है। डीफिब्रिलेशन की बस दो चीज़ें रट्टा मार लेना, डीफिब्रिलेशन से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में करते हैं, खासतौर पर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट में। ओके, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। दो में डिवाइड करना है, एक्यूट या क्रॉनिक है। एक्यूट को भी दो में डिवाइड करना है, अनस्टेबल तो आपने इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करना है, स्टेबल है तो आपने रेट कंट्रोल करना है। ओके, रेट को कंट्रोल करने के लिए BCD देते हैं, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डाइजॉक्सिन है। रिदम को कंट्रोल करना है अगर 48 आवर्स से कम का है और लो रिस्क है स्ट्रोक का, यूजिंग चैट्स VS4। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन 48 आवर्स से कम का और लो रिस्क है तो आपने IV हेपरिन देना है, कार्डियोवर्जन करना है। कार्डियोवर्जन दो तरह का होता है, इलेक्ट्रिकल और फार्माकोलॉजिकल। इलेक्ट्रिकल ज़्यादा प्रेफरेबल होता है जिसमें आप 200 जाउल का इलेक्ट्रिकल शॉक देते होते हैं, बायोफिजिक्स से या मोनोफिजिक्स से 360 जाउल का शॉक देते हैं। जबकि फार्माकोलॉजिकल वाला वो फ्लेसिनाइड, एमिड्रियोन और प्रोकेनामाइड की वजह से होता है। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन 48 आवर से ज़्यादा का है और हाई रिस्क है स्ट्रोक का, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि ट्रांस इसोफेजियल इको करानी है लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बस को देखने के लिए। अगर लेफ्ट एट्रियल में कोई थ्रोम्बस है तो फिर आपने क्या करना है, एंटीकोगुलेट करना है 3 हफ्तों तक, वारफेरिन से करना है, फिर कार्डियोवर्जन करना है, फिर दोबारा एंटीकोगुलेट करना है 4 वीक्स तक। अगर कोई थ्रोम्बस नहीं है तो सिंपल कार्डियोवर्जन करना है, फिर एंटीकोगुलेशन आपने इस्तेमाल करना होता है। क्लियर, सही हो गया। अगर क्रॉनिक है तो क्रॉनिक में आपने बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना होता है और वारफेरिन से आपने कंट्रोल करना होता है। अब एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से एम्बोलस होता है और एम्बोलस की वजह से स्ट्रोक होता है, दैट इज व्हाई द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क को देखने के लिए हम एक स्कोर यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड चैट्स VASC स्कोर। ओके, सी से क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एच से हाइपरटेंशन, ए से ए 75 से ऊपर होती है। ओके, चैट्स। ओके, डी से डायबिटीज आ जाएगा और एच से क्या हो जाएगा, एच से आपका स्ट्रोक आ जाएगा, प्रीवियस स्ट्रोक तो नहीं है। वी से कोई वास्कुलर डिजीज तो नहीं है, कोई पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज तो नहीं है। एच दोबारा आ गया, 65 to 74 है। और SC से क्या है, सेक्स कैटेगरी है। यहाँ पे याद रख लेना कि जो प्रीवियस स्ट्रोक है और एज 75 से ऊपर है, इसके दो दो पॉइंट्स होते हैं। वट इज कार्डियोवर्जन एंड डीफिब्रिलेशन, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कार्डियोवर्जन क्या होता है, सिंक्रोनाइज डीसी शॉक होता है, डिस एरिथमियाज को टर्मिनेट कर देता है, तमाम हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल में देते हैं सिवाय वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। डीफिब्रिलेशन क्या होता है, नॉन सिंक्रोनाइज डीसी शॉक होता है। ओके, ये डिस एरिथमियाज को कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल साइनस रिदम के अंदर। और इसकी इंडिकेशन क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड द साइनस टैकीकार्डिया। ओके, सही है। इसके बाद बेसिक्स ऑफ ECG, आई डोंट थिंक सो कि आएगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं बेसिक्स ऑफ ECG। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ ECG है, ECG के क्या कंपोनेंट होते हैं, अच्छा पी वेव होती है। ओके, पी वेव होती है। ओके, इसके अलावा कहने का मतलब है कि
पी वेव है, पी आर इंटरवल होता है, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, एस टी सेगमेंट होता है, टी वेव की चेंजेस होती है, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं। पी वेव क्या होता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन होती है। अब एट्रियल डिपोलराइजेशन आप पी वेव की एबनॉर्मैलिटीज पढ़ना पड़ेगा। पी वेव की अगर कहने का मतलब है बाइफेट पी वेव होती है तो उसको बोलते हैं पी माइट्रियल, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, पी माइट्रियल में माइट्रियल स्टिनोसिस में होती है, लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी इनलार्जमेंट होती है जिसकी वजह से बाइफेट पी वेव होती है, दिस इज कॉल्ड पी माइट्रियल। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको सेकेंड हम्प मिलेगा लीड टू के अंदर, नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलती है V1 के अंदर, ओके। और अगर पी वेव टाल हो जाती है तो उसको बोलती है पी पल्मोनरी, राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर, ठीक है। अगर पी वेव एब्सेंट हो जाती है तो क्या डिफरेंशियल होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन, हाइपो हाइपरकलेमिया और सिक साइनस सिंड्रोम है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। और अब पी वी एफ को ज़्यादा अच्छा कहाँ पे देखते हैं, लीड टू के अंदर और वी वन के अंदर देखते होते हैं, ओके। ये भी अच्छे से हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, पी आर इंटरवल, जो नॉर्मल पी आर इंटरवल होता है। अच्छा, पी वी एफ किन किन में एबसेंट होती है, हाइपो हाइपरकलीमिया में, एस वी टी में, सिक्स साइनस सिंड्रोम में और एट्रियल फिब्रिलेशन में। पी आर इंटरवल पे आ जाते हैं, नॉर्मल क्या होता है, 0 पॉइंट यानी 120 मिली सेकेंड से लेकर 200 मिली सेकेंड तक का होता है। अगर इससे कम हो जाए तो ये वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में होता है, और ज़्यादा हो जाए तो ये आपके हार्ट ब्लॉक होते हैं, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होते हैं। इसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल ड्यूरेशन भी तकरीबन 120 मिलीसेकंड का होता है, ठीक है। अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अगर नैरो हो, ओके, अगर नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो तो वो आपको एस वी टी में देखने को मिलता है। एस वी टी में आपके दो आते हैं, एक ए वी नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया, ए वी नोडल रेसिप्रोकेटिंग टैकीकार्डिया, जिसमें आपका आ जाता है, ओके, वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। नेक्स्ट है ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये आपको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में देखने को मिलता है। नॉचिंग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लेफ्ट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक में होती है। एस बोन जे पॉइंट, ये आपको हाइपोथर्मिया में देखने को मिलता है। डेल्टा वेव वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में होती है। एप्सिलॉन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये आपको ए आर बी डी में देखने को मिलता है। इसके बाद एस टी सेगमेंट है, ठीक है। एस टी सेगमेंट, अब एस टी सेगमेंट में क्या चेंजेस होती है, एस टी सेगमेंट की एलिवेशन होता है और एस टी सेगमेंट की डिप्रेशन होती है, ठीक हो गया, ओके। अब एस टी सेगमेंट की कहने का मतलब है एलिवेशन किन किन कंडीशन में देखने को मिलती है, इसका निमोनिक है इलावा 10, इलावा 10, ई से इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक हाइपरकलीमिया, एल से लेफ्ट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक है, ई से अर्ली रिपोलराइजेशन है, वी से वेंट्रिकुलर एनोरिज्म है, क्लियर। इसके अलावा अलावा ए से एनोरिज्म हो गया, टी से ट्रॉमा हो गया लाइक पेरिकार्डियोसेंटेसिस है, ओके। इसके अलावा और क्या क्या हो जाएगा, इसके अलावा बस मेनली, और इसके अलावा आपको स्टेमी में देखने को मिलता होता है, क्लियर। बस मोटे मोटे जो तीन डिफरेंशियल रट्टा मार लो, MI है, पेरिकार्डाइटिस है और लेफ्ट वेंट्रिकल का एनोरिज्म होता है, जबकि इस सेगमेंट की डिप्रेशन इस्कीमिया में एंड स्टेमी में होती है, अनस्टेबल एंजाइना में होती है और हाइपोकलीमिया में होती है। जो टी वेव है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करती है, एलिवेटेड होती है हाइपरकलीमिया में एंड हाइपर एक्यूट फेज ऑफ MI में, और इन्वर्टेड होती है हाइपोकलीमिया में या इन्फार्क्शन के केस में आपको देखने को मिलती है, ठीक हो गया। इन टी वेव इन्वर्टेड होती है हाइपर एक्यूट फेज में, और एलिवेटेड होती है हाइपर एक्यूट फेज में, इन्वर्टेड होती है मायोकार्डियल इस्कीमिया में, इन्फार्क्शन में, ठीक हो गया। और टी वेव की इन्वर्जन अगर आपको V1 V2 V3 में देखने को मिले तो वो फिजियोलॉजिकल होती है, बच्चों में देखने को मिलती होती है। हाउ टू कैलकुलेट हार्ट रेट, तो हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करना होता है, आपने ना दो आधा इंटरवल के दरमियान बिग स्केयर्स को गिनना होता है, उसको आपने 3300 से डिवाइड कर लेना है या स्मॉल स्केयर को 1500 से डिवाइड कर देना है। अब ECG के बारे में कुछ कन्वेंशन है, सेंसिटिविटी क्या होती है, लाइक जो 10 मिलीमीटर होता है वो 1 मिलीवोल्ट के बराबर होता है, पेपर की स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से हो रही होती है, जो ईच लार्ज 5 mm यानी जो एक बड़ा स्क्वेयर होता है ना वो कितने सेकंड्स के बराबर होता है, 200 मिलीसेकंड के बराबर, और जो छोटा स्क्वेयर होता है वो 40 मिलीसेकंड्स के बराबर होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेम द ECG लीड्स, तो ECG लीड्स कौन कौन सी होती है, लिम्ब लीड्स हो सकती है या चेस्ट लीड्स हो सकती है, ओके। लिम्ब लीड्स में लीड 1 2 3 4 होता है, क्लियर, ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा कहते हैं कि लिम्ब लीड्स के अलावा बाकी जो सारी लीड्स होती है वो बाईपोलर होती है, ओके। ऑल द लीड्स एक्सेप्ट लिम्ब लीड्स आर यूनिपोलर, यानी जो लिम्ब लीड्स होती है वो बाईपोलर होती है, बाकी सारे यूनिपोलर होती है। इसके बाद 3 ऑगमेंटेड लीड्स है, AVR राइट आर्म पर लगाते हैं, क्लियर, AVL लेफ्ट आर्म पर लगाते हैं और AVF लेफ्ट फुट पर लगा देते हैं। 6 चेस्ट की लीड्स होती है, V1 V2 राइट वेंट्रिकल के लिए होती है, V3 V4 ओवर इंटरवेंट्रिकल सेप्टम पर लगाते हैं, V5 V6 लेफ्ट वेंट्रिकल पर लगा देते हैं। अब इनकी लोकेशन आ रही है, आई डोंट थिंक सो कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन V4 का रट्टा मालेना फिर इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पर लगाते हैं, एपेक्स बीट वाले एरिया पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बट ECG और ECG में कौन कौन से लीड्स होती है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ECG क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट होती है। 12 लीड ECG का मतलब है कि 12 इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम रिकॉर्ड करेंगे एट अ टाइम। 3 लिम्ब लीड्स है, 3 ऑगमेंटेड लीड्स होती है और 6 चेस्ट लीड्स होती है।
ओके, नेक्स्ट इज हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो जो कॉज ऑफ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, वैसे मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी यही वाली आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो इसमें ना ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और ये सार्कोमेरिल जीन्स का म्यूटेशन की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल बीटा मायोसिन हैवी चेन की म्यूटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी। मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन की म्यूटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन एरिथमिया होगा। और ट्रोपोनिन की म्यूटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल फाइबर डिसअरे हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो इसमें क्या चीज आपको देखने को मिलती है? इसमें आपको एग्जर्शनल डिस्निया, इसमें भी आपको सिंकोपी एंजाइना डिस्निया देखने को मिलता है। सडन कार्डिक डेथ हो जाती है, फैमिली हिस्ट्री सडन कार्डिक डेथ की देखने को मिलती है। जर्की पल्स होती है, बल्सस विस्फेरस होता है, डबल एपिकल पल्सेशन होती है और डबल मर्मर होता है। ओके, लाइक पैन सिस्टोलिक मर्मर अपेक्स भी होता है ड्यू टू माइट्रल रिगर्जिटेशन है। और आपको पल्मोनरी स्टिनोसिस वाला मर्मर भी देखने को मिलता है। ओके, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक हो गया। ओके, ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके अलावा इसमें जो मर्मर होता है ना, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को कम करने से मर्मर बढ़ जाता होता है। क्लियर, और ऑलमोस्ट ये पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी होती है? ईसीजी सबसे पहले कराते हैं। ओके, ईसीजी पे क्या मिलता है आपको? सेप्टल क्यू वेव देखने को मिलती है। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती होती है। इकोकार्डियोग्राफी के अंदर एसिमेट्रिकल यानी सेप्टल लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है और सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन ऑफ माइट्रल लीफलेट देखने को मिलता है। लास्ट में कार्डियक कैथेटराइजेशन है और जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। बीटा मायोसिन हैवी चेन की, मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन की या ट्रोपोनिन म्यूटेशन की। अब पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या होते हैं? अगर ये यंगर एज में हो या आपको मेल जेंडर में देखने को मिले, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है सडन कार्डिक डेथ की, सिंकोपी हो चुका है, जेनेटिक मार्कर्स पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल आर्जिनिन जीन की म्यूटेशन है, या लास्ट में एक्सरसाइज इंड्यूस ओके हाइपोटेंशन है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। तो इसमें चेस्ट पेन और डिस्निया होता है, तो उसके लिए बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, डाइसोपरामाइड है, याद कर लेना। इसमें डाइजॉक्सिन, वेजोडायलेटर, एस इनहिबिटर ज़रा से भी इस्तेमाल नहीं करते होते, अदरवाइज वो प्री लोड कम कर देंगे। एरिथमिया तो इमिड्रियोन आपने इस्तेमाल करना होता है, सिंकोपी है तो इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर इस्तेमाल करना है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो आपने ईएसडी करना है। ए से क्या होता है? अल्कोहल, सेप्टल एब्लेशन, एस से सर्जिकल मायोमेक्टोमी, डी से डुअल चैम्बर ब्रेसिंग है और ट्रांसप्लांटेशन है। और सडन कार्डिक डेथ को प्रिवेंट करने के लिए आप आईसीडी देते हैं। आईसीडी क्या? इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर है। कब देते हैं? अगर सडन कार्डिक डेथ की हिस्ट्री है, रिकरेंट सिंकोपी है, या कोई प्रीवियस हिस्ट्री है कार्डिक अरेस्ट की, या सस्टेन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल की थिकनेस 30 से ज्यादा की है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी? तो 3 तरह की होती है, हाइपरट्रॉफिक, डायलेटेड और डिस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। जो डायलेटेड होती है वो सिस्टोलिक डिसफंक्शन कराती है, बाकी दोनों डायस्टोल यानी जो डायलेटेड वाली होती है वो सिस्टोलिक करवाती है और बाकी दोनों डायस्टोलिक डिसफंक्शन करवाती है। नेक्स्ट है हार्ट फेल्योर। ओके, क्लिनिकल फीचर ऑफ पल्मोनरी एडिमा, क्लिनिकल फीचर एंड द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा। ओके, द पल्मोनरी एडिमा होता है तो सबसे पहले आपको डिस्निया देखने को मिलता है, नॉक्टर्नल डिस्निया, इजेशनल डिस्निया, ऑर्थोपनिया, पैरॉक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया देखने को मिलता होता है। क्लियर, और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर की वजह से देखने को मिलता होता है। सही है, तो सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, टेकिपनिया, ऑर्थोपनिया, पल्मोनरी क्रैकल्स आपको देखने को मिलती है। ओके, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ओके, और उसकी कोई पिक्चर वगैरह एबसेंट हो गई है। ठीक है, ओके, और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? अच्छा, चेस्ट एक्सरे पे क्या क्या मिलेगा? चेस्ट एक्सरे पे निमोनिक है, ए बी सी डी है। ए से क्या होता है? एल्विलर एडिमा होता है, जिसको बैट विंग अपीयरेंस कहते होते हैं। बी से बी लाइन है, कर्ली बी लाइन है, जो कि इंटरस्टिशियल एडिमा को रिप्रेजेंट करती है। सी से कार्डियोमिगैली होती है, डी से डिस्टेंडेड अपर लोब वेसल है, और ई से क्या होता है? इफ्यूजन, पल्मोनरी इफ्यूजन। और ट्रीटमेंट में एलएमएनओपी है, लोब डायबिटिक, मॉर्फिन, नाइट्रेट्स, ऑक्सीजन, और आपने क्या करना होता है? पोजिशन 45 डिग्री का बनाना होता है। अगर उसे ठीक नहीं हो रहा तो डोपामिन या डोब्यूटामिन है, उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप है। क्लिनिकल फीचर ऑफ लेफ्ट हार्ट फेल्योर, तो जो हार्ट फेल्योर होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर जब लेबर करते हैं जब दोनों साइड का वेंट्रिकल फेल हो जाता है, जो लेफ्ट जब लेफ्ट हार्ट फेल हो जाता है उसको फॉरवर्ड फेल्योर भी कहते हैं, क्योंकि आगे फॉरवर्ड नहीं पुश कर रहा ब्लड को। क्लियर, तो जिसकी वजह से क्या होगा? राफ सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि साल्ट वाटर की रिटेंशन एडिमा करवा देगा। तो क्लिनिकल फीचर में क्या होगा? डिस्निया आपको देखने को मिलेगा, ऑर्थोपनिया देखने को मिलता है। ऑर्थोपनिया क्या होता है? डिस्निया फ्लैट पोजिशन पर बढ़ जाता होता है, रिलीव बाय सिटिंग फॉरवर्ड है। क्लियर, इसके अलावा पैरॉक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया भी देखने को मिलता है। साइंस के अंदर क्या होता है? सबसे पहला जो अर्लीस्ट कार्डिक साइन है वो S3 साउंड होती है, बाई बेजिलर इंस्पायरेटरी क्रैकल्स आपको सुनाई देती है, दोनों साइड पे क्रैकल्स आपको सुनाई देती है। ओके, और फंक्शनल माइटर रिगर्जिटेशन हो जाती है, जिसमें पैन सिस्टोलिक मर्मर होगा। लास्ट में कार्डिक एस्थमा हो सकता है ड्यू टू पेरी ब्रोंक्यूलर एडिमा। और कार्डिक एस्थमा में आपको एक्सपायरेटरी वेज देखने को मिलती होती है। क्लियर,
अब यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी को एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर हो तो पल्मोनरी एडिमा होगा, लेकिन क्रॉनिक हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडिमा नहीं होता होता ओके, क्योंकि ना अडाप्ट कर जाती है वो, कंपनसेट कर जाती है कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर की वजह से क्या क्या होता है, फ्लूड की रिटेंशन की वजह से हाइपोकलीमिया हाइपोनेटीमिया देखने को मिल सकता है, हाइपोकलीमिया भी हो सकता है हाइपरकलीमिया भी देखने को मिल सकता होता है क्लियर। इसके अलावा और क्या हो सकता है, लीवर का फंक्शन इंपेयर्ड हो जाएगा, रीनल फंक्शन इंपेयर्ड हो जाएगा क्लियर। इसके अलावा एट्रियल वेंट्रिकल एरिथमिया हो जाएगी, लास्ट में सडन कार्डिक डेथ है। इट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्यू टू वेंट्रिकुलर एरिथमिया, स्पेसिफिक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से हो सकता है। चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो आपको रेटिकुलर शेडिंग ऑफ एल्वियल एडिमा देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं बैटिंग अपीयरेंस कहते होते हैं। प्रोमिनेंस ऑफ अपर लोब वेसल है, इन लार्ज हाइलर वेसल्स है इन प्रोमिनेंट हो जाती है, सेप्टल या कर्ली वी लाइंस होती है, कार्डियोमियली देखने को मिलती है ओके। तो उसका निमोनिक ए बी सी डी या ए से एल्वियोलर एडिमा, बी से कर्ली बी लाइंस होती है, सी से कार्डियोमेगाली होती है, डी से डिस्टेंडेड अपर लोब वेसल और ई से इफ्यूजन हो जाता है। ड्रग्स विच आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर, तो कौन कौन सी ड्रग्स आपने नहीं देनी होती, सी सी बी नहीं देनी, मेटफॉर्मिन, थायज़ोलिडाइन डायोन और एनसेंट्स नहीं देनी। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, हार्ट फेलियर का। हार्ट फेलियर ये वो कंडीशन है जिसमें हार्ट ना बॉडी के हिसाब से पंप नहीं कर पा रहा होता। अब इसका जो मैकेनिज्म होता है ओके, अब मैकेनिज्म यहाँ पे फिजियोलॉजी एक्सप्लेन किया कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की एक्टिवेशन होती है, सिंपैथेटिक की वजह से बीपी बढ़ जाता है और कार्डिक वर्क बढ़ जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की वजह से क्या होता है कि फ्लूड की रिटेंशन देखने को मिलती है। आगे चलते हैं हार्ट फेलियर में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे ओके, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो आप एक्सरे टेस्ट करा लोगे, ए बी सी डी मिलेगा, ब्लड टेस्ट करा लोगे, सी बी सी मैनीमिया रूल आउट करोगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स करा लोगे, एल एफ टीज करा लोगे ओके, टी एफ टीज करा लोगे, कार्डिक एंजाइम वगैरह करा लोगे, कार्डिक एंजाइम्स में और ब्रेन अल्ट्रायूरिटिक पेप्टाइड वगैरह करा लोगे क्लियर। ईसीजी करा लोगे, लेफ्ट वेंट्रिकल की राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती होती है ओके, एरिथमियाज देखने को मिल सकता है, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो इकोकार्डियोग्राफी होती है ओके। अब इकोकार्डियोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इससे अब दो तरह की होती है, ट्रांसथोरेसिक और ट्रांसइसोफेजियल है। ट्रांसथोरेसिक इजेक्शन फ्रैक्शन को देखने के लिए होती है, इसमें भी जो बेस्ट टेस्ट होती है वो न्यूक्लियर वेंट्रिकुलोग्राफी है और मल्टी गेटेड एक्विजिशन स्कैन है। दूसरा ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी होती है, वो हार्ट वाल्व्स के फंक्शन को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं, ऑलमोस्ट भी माना हो जाएगा। इसके बाद बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है बी एन पी होता है, आपको डिस्निया को डिफ्रेंशिएट कर देता है फ्रॉम द कार्डिक कॉज ओके, यानी डिस्निया ड्यू टू कार्डिक कॉज फ्रॉम अदर कॉज लाइक एस्थमा की वजह से या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से या क्लियर या फिर निमोथोरस की वजह से, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बी एन पी लेवल कराते होते हैं। स्पेसिफिकली हम कौन से लेवल कराते हैं, एन टी प्रो बी एन पी है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन है, जो कि हार्ट फेलियर के लिए इस्तेमाल होती है, इसके अलावा एंजाइना के लिए भी इस्तेमाल होती है। क्लास वन का मतलब है नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ओके, और क्लास टू का मतलब है स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्लास थ्री का मतलब है मार्क्ड लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ओके, लेकिन सिप्टम रेस्ट पे नहीं है। और फोर में क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता और सिप्टम एटरेस्ट क्लियर, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो नो स्लाइट मार्क और सीवियर, या ऐसे कर सकते हो अगर ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी से डिस्प्ले नहीं होता तो क्लास वन है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से हो जाता तो क्लास टू है, अगर लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी की वजह से होता तो क्लास थ्री है, लेस देन और या रेस्ट पे होता तो क्लास फोर है। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर है ओके, तो आपने पहले जो अच्छा ड्रग और चॉइस इसमें एस इनहिबिटर लिखा हुआ है, और ट्रीटमेंट और चॉइस क्या होता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है क्लियर। और सबसे पहले आपने एजुकेशन करनी है पेशेंट की, एक्सप्लेनेशन करना है डिजीज़ का, एजुकेशन डाइट के अंदर कहना है कि साल्ट को शुगर को फैट्स वाली डाइट को कम करना है, अल्कोहल नहीं पीनी, स्मोकिंग नहीं करनी, एक्सरसाइज करनी है, वैक्सीनेशन करनी होती है। इसके बाद स्पेसिफिक मेजर्स के अंदर आ जाते हैं, स्पेसिफिक मेजर्स के अंदर आपने सबसे पहले आपने लूप डायबिटिक आपने देनी होती है, फिर आपने एस इनहिबिटर ए आर बीस या फिर हाइड्रोलाजिन या नाइट्रोजिन में से प्रेफर करना होता है, फिर आपने बीटा ब्लॉकर ऐड करना है, और लास्ट में स्पिरिनोलेक्टोन ऐड करना होता है। अगर हार्ट फेलियर के साथ अगर एट्रियल फिब्रिलेशन भी है तो डाइजॉक्सिन इस्तेमाल करना होता है क्लियर, ठीक हो गया। और अगर डायबिटीज में लाइटेस्ट भी है तो इंपाग्लिफ्लोजिन डैपाग्लिफ्लोजिन है, यहाँ पे लिखा है कि जो बेस्ट इनिशियल थेरेपी होती है वो एस इनहिबिटर प्लस डायुरेटिक होती है ओके, ठीक हो गया। जो एस इनहिबिटर होते हैं आर्टेरियोल्स को और वेजो डायलेटर आर्टेरियोल्स में रखे काम करती है, वेजो डायलेटर करती होती है, प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को कम कर देती है ठीक है, यानी आर्टरीज को वेन्स को दोनों को डायलेट कर देती है, प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को कम कर देती होती है ओके। एप्लीरोन लॉन्ग टर्म मोर्टेलिटी को कम कर देती है, नाइट्रेट्स क्या करती है प्री लोड को कम कर देती है, हाइड्रोलिसिन आफ्टर लोड को कम कर देती है, ये उन पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं जो इस इनहिबिटर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बीटा ब्लॉकर जो कार्डियो सेलेक्टिव होती है वो एमसीबी होती है, मेटाप्रोलोल कैर्बिडोलोल बिसाप्रोलोल है क्लियर। डाइजोक्सिन आइनोट्रॉप होती है, ये मोर्टेलिटी को रिड्यूस नहीं करती ओके, सही हो गया ओके। इसके बाद है कि जो ड्रग्स जो लाइफ की मोर्टेलिटी को कम कर देती है, यानी मोर्टेलिटी को कम कर देती है, लाइफ के सर्वाइवल को बढ़ा देती है, वो क्या करती है, वो नेगेटिव आइनोट्रॉप्स होती है ओके, सही हो गया ओके। लाइक एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर्स है, स्पिरिनोलेक्टोन है, हाइड्रोलाजिन है, और इसके अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर आपकी कौन कौन सी आती है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सीआरटी है, कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी है, इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर है, इसके अलावा वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस है, और कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन है। जो सीआरटी होता है रट्टा मार लेना कि अगर क्यूआरएस 120 से ज़्यादा का हो या फिर
या फिर आपको इजेक्शन फ्रैक्शन 35 से कम देखने को मिले उस केस में करते हैं, और इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर सडन कार्डिक डेथ को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, स्पेसिफिकली क्लास 2 या क्लास 3 में, या फिर आप पोस्ट एमआई देते हैं 40 डेज पर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर? लेफ्ट साइड का हो सकता है, राइट साइड का हो सकता है, बाइवेंट्रिकुलर हो सकता है जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते होते हैं, ओके, या फिर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक हो सकता है। सिस्टोलिक में लो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, उसके कॉजेज में इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, हाइपर टेंशन है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। और डायस्टोलिक में क्या होता है कि नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल की फिलिंग नहीं हो पाती, लाइक हाइपर टेंशन की वजह से हाइपर ट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या डिस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। ओके, नेक्स्ट इज हाइपर टेंशन। ओके, बेड साइड क्लिनिकल साइंस टू इवेलुएट एंड ऑर्गन डैमेज ड्यू टू हाइपर टेंशन। तो सबसे पहले पल्स देख लो कि पल्स में अगर आपको रेडियो फीमोरल डिले मिले तो कॉन्ट्रक्शन ऑफ एओर्टा होता है, किडनी को पालपेट कर लोगे, ये इंडिकेट करता है कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस तो नहीं है, ओके, या सॉरी एनलार्ज किडनी है तो वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में होती है, एब्डोमिनल ब्रुई रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में होती है, और एब्नॉर्मल ऑप्टिक फंडाई फंडोस्कोपी में देखने को मिलता होता है। कॉजेज ऑफ हाइपर टेंशन, तो आपने हाइपर टेंशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। ओके, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है ना उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहती है, इसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, जो सेकेंडरी होती है किसी अंडरलाइंग कॉज की वजह से होती है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन में रीनल कॉज, एंडोक्राइन कॉज और मेडिकेशन है। ओके, रीनल के अंदर आपका लाइक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, डायबिटीज है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। एंडोक्राइन के अंदर मैं ज़्यादा दिखा भी दूँ, एंडोक्राइन के अंदर कौन कौन से कॉजेज आते हैं? ओके, एंडोक्राइन कॉजेज में फियोक्रोमोसाइटोमा आ जाएगा, क्लियर, कुशिंग सिंड्रोम, कॉर्न सिंड्रोम आ जाएगा, थायरोटॉक्सिकोसिस, एक्रोमेगैली है। और याद करना कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो तो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म हो तो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। ओके, इसके अलावा मेडिकेशन दे दोगे ओसीपी या स्टीरॉयड की वजह से, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा की वजह से देखने को मिल सकता है, या पॉलीसाइथेमिया वैरा की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, जिसको आप सर्जरी के लिए ठीक कर सकते हो। सर्जरी के लिए ठीक करना है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को, सर्जरी के लिए ठीक कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा, फियोक्रोमोसाइटोमा, निमोनिक या पीसीआर, फियोक्रोमोसाइटोमा, कुशिंग सिंड्रोम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन बेस्ड ऑन सिवियरिटी है। ओके, तो आपको पता है कि जो हाइपरटेंशन का लेबल करते हैं, ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो, ठीक हो गया, ग्रेड वन का मतलब 140 से लेकर 159 या 90 से लेकर 99 है, ग्रेड टू का मतलब है 160 से लेकर 179 या 100 से लेकर 109, और 180 से ऊपर हो या 110 से ऊपर हो तो उसको लेबल करते हैं सिवियर हाइपरटेंशन है। या आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ग्रेड वन में वही आ जाएगा 140 से लेकर 159, और ग्रेड टू में 160 से ऊपर है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है? न्यूरोलॉजी के अंदर यानी नर्वस सिस्टम के ऊपर ट्रांसिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक है, इस्कीमिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है, कार्डिक पे क्या हो सकता है? इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकता है, एट्रल फिब्रिलेशन आपको देखने को मिल सकती है। ओके, वैस्कुलर के अंदर एओर्टिक डाइसेक्शन हो सकती है, एओर्टिक एनोरिज्म है, रीनल के अंदर हीमाचूरिया हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है। ओके, अब रीनल रीनल तो हो गया ऑलमोस्ट, और या हाइपरटेंसिव रेटिनापैथी हो सकती है। अब हाइपरटेंसिव रेटिनापैथी के डिफरेंट ग्रेडिंग होते हैं, ग्रेड वन में आर्टरियोल्स की थिकनिंग होती है और नार्विंग होती है, ग्रेड टू में आपको कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है, एवी निकिंग देखने को मिलती है, ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर इसको मलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। ओके, ग्रेड थ्री में क्या होता है? रेटिनल हैमरेजेस होता है, और ग्रेड फोर में पैपिलरी एडिमा देखने को मिलता है। डिफाइन हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन में क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर होता है, डायस्टोलिक 90 से ऊपर होता है, तकरीबन आपको थ्री सेपरेट ओकेजन पे आपको देखने को मिले 2 वीक्स अपार्ट, क्लियर, या 2 मेजरमेंट्स होने चाहिए बाय 2 मिनट्स। आगे चलते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी वर्सेस एमरजेंसी है। ओके, ये दोनों मलिग्नेंट हाइपरटेंशन होती है, ठीक हो गया। ओके, यानी ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक वाला होगा वो 180 और डायस्टोलिक वाला 120 से ऊपर होगा। अर्जेंसी में कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, एमरजेंसी में टारगेट ऑर्गन डैमेज होगा, लाइक सीएनएस में इस्कीमिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक, एनसेफेलोपैथी है, पैपिलेडीमा होगा। सीवीएस में आपको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, एओर्टिक डिसेक्शन है। रीनल में प्रोटीन यूरिया, हीमाचूरिया होगा। ओके, इसके अलावा माइक्रोएंजियोपैथी, हेमोलिटिक एनीमिया, प्रीक्लैम्पसिया, एक्लैम्पसिया हो सकता है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में आपने ब्लड प्रेशर को घंटों में कम करना है यूजिंग ओरल ड्रग्स है। ओके, और इसके लिए जो एजेंट आपने इस्तेमाल करने होते हैं ना, वो आपने सीसीएल है, सीसीएल, ओके, कैप्टोप्रिल है, ओके, स्किलोनिडीन है, और आपके लैबिटोलॉल आ जाएगा। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में आपने मीन आर्टेरियल प्रेशर को 25% तक कम करना होता है, और जो ब्लड प्रेशर को आपने 110 से नीचे लेके आना है डायस्टोलिक वाला, तो इसमें आपने ड्रग इस्तेमाल करनी है नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोग्लिसरीन, और वंस अगेन लैबिटोलॉल। आगे चलते हैं, एक यंग पेशेंट है आपके हाइपरटेंशन के साथ आया, आपको कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करा लोगे यंग पेशेंट के अंदर? ओके ओके, तो अब चेस्ट एक्सरे करा लोगे, चेस्ट एक्सरे पे क्या मिल सकता है? चेस्ट एक्सरे में आपको कार्डियोमिगैली, हार्ट फेलियर या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा मिल सकता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा को देखने के लिए एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग कर लोगे, वाइट कोट हाइपरटेंशन को रूल आउट करने के लिए। इकोकार्डियोग्राम करा लोगे लेफ्ट वेंट्रिकल को, हाइपरट्रॉफी को देखने के लिए। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, रीनल डिजीज को देखने के लिए। रीनल एंजियोग्राफी है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लिए। यूरिनरी कैटेकोलामिन है, फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए। कॉर्टिसोल, डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट, कॉर्टिस कुशिंग सिंड्रोम के लिए। प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, अल्डोस्टेरोन, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म को देखने के लिए। सीवीएस में आप इको, यानी इन शॉर्ट सीवीएस में जो टेस्ट होते हैं वो चेस्ट एक्सरे, ओके, ईसीजी और इको करा लोगे, और एम्बुलेटरी बीपी है। रीनल में एंजियोग्राफी और अल्ट्रासाउंड है, और एंडोक्राइन में यूरिनरी कैटेकोलामिन, कॉर्टिसोल और प्लाज्मा रेनिन है।
मैनेजमेंट ऑफ हाइपर टेंशन। ओके, तो हाइपर टेंशन में सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है, लाइक BMI को आपने नॉर्मल रखना होता है, एरोबिक एक्सरसाइज है आधे घंटे तक करनी है, 5 डेज पर वीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल खाने होते हैं, सोडियम की रिस्ट्रक्शन करनी है, अल्कोहल कम से कम लेना होता है। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कब ऑफर करना है, जब ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर हो यानी ग्रेड 2 हो, या आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपर टेंशन हो 160 से ऊपर हो, या फिर ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो, साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, या कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज हो लाइक नेफ्रोपैथी या रेटिनोपैथी है। ओके, अब गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट बताया हुआ है, अगर किसी को अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपर टेंशन है तो थायराइड डायबिटिक देनी होती है, अगर बिना प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया तो अल्फा ब्लॉकर है, प्रासोसिन है, अनजाइना तो बीटा ब्लॉकर, पोस्ट टाइम है तो बीटा ब्लॉकर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, डायबिटीज है, CKD है, रिकरेंट स्ट्रोक है, तो एस इनहिबिटर आपने देनी होती है। अब स्टेप वाइज ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर पेशेंट की एज है ना 55 साल से नीचे है तो आपने एस इनहिबिटर या ARB 55 साल से ऊपर है तो आपने क्या इस्तेमाल करना होता है, ओके थायराइड डायबिटिक इस्तेमाल करना होता है। स्टेप 2 में एस इनहिबिटर और थायराइड है, स्टेप 3 में एक्ट आ जाएगा, स्टेप 4 में क्या होता है आपने स्पारिनोलैक्टोन अल्फा या बीटा ब्लॉकर आपने ऐड करनी होती है। ओके, इसके बाद है रूटीन इन्वेस्टिगेशन एंड हाइपर टेंशन, तो क्या क्या रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, आई थिंक जो ऊपर लिखी है वही आप सारे लिख देना, CBC, ESR, CRP है, यूरिन एनालिसिस करा लोगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, ओके लाइक हाइपोकलेमिक एल्केलोसिस आपको प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म में देखने को मिलती है, ब्लड ग्लूकोज करा लोगे, सीरम टोटल और HDL कोलेस्ट्रॉल करा लोगे, थायरॉयड फंक्शन टेस्ट है थायरॉयड टॉक्सिकोसिस को रूल आउट करने के लिए, ECG को करा लोगे, सही हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है शुड एवरीवन विद BP नाउ, जिसको कोर मॉर्बिडिटीज है उस केस में देना है, यानी अगर ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर है, सिस्टोलिक वाला 160 से ऊपर है, या ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर है लेकिन साथ कोई कोर मॉर्बिडिटीज है लाइक नेफ्रोपैथी या रेटिनोपैथी है, उस केस में आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो इस्केमिक हार्ट डिजीज के जो रिस्क फैक्टर होते हैं आपने उसको 2 में डिवाइड करना होता है। ओके ठीक है, ओके तो मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, जो आपके मॉडिफाइबल होते हैं उसमें आपका हाइपर टेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज, स्मोकिंग आ जाती है, और जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं इसमें एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री या प्रीवियस हिस्ट्री है। क्लियर, अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे, सिंपल ब्लड एग्जामिनेशन है, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर है, ECG, इको, एक्सरे करा लोगे, प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे, एक्सरसाइज करते हैं, स्मोकिंग अल्कोहल को छुड़वा देते हैं, और ड्रग्स एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरलिपिडेमिक और एंटी डायबिटिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर आर्थरेटिक्स एंड कल्चर को मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। ओके, लाइक नॉन मॉडिफाइबल में ओल्ड एज है, मेल जेंडर है, जेनेटिक्स है, जबकि मॉडिफाइबल में हाइपर टेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग है, और कुछ माइनर है, माइनर में आपका इन्फ्लेमेशन, होमोसिस्टिनूरिया, ओके मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, सेंट्रल ओबेसिटी होती है, हाइपर टेंशन होता है, इंसुलिन इंटॉलरेंस होता है, टैग का लेवल ज़्यादा होता है, और HDL का लेवल कम होता है। ओके, इसके बाद स्टेबल एंजाइना है, ओके स्टेबल एंजाइना वाला टॉपिक है। ओके, क्लिनिकल फीचर ऑफ स्टेबल एंजाइना, तो स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, स्टेबल एंजाइना में आपको सब स्टर्नल चेस्ट पेन होता है, यूजली हम कहते हैं 30 मिनट से कम का होता है, 4 चीज़ों से बढ़ जाता है, एग्जर्शन से, इमोशन से, कोल्ड एक्सपोजर से, या फिर आपको एक्सरसाइज से या रोटी खाने से बढ़ जाता है, और रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन लेने से ठीक हो जाता है। अब ये पेन जा में, नेक में रेडिएट कर जाता है, साथ में नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग या लाइट हेडनेस हो सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सब स्टर्नल चेस्ट पेन, तो क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, पूरा डब्बा आ जाएगा इसका। ओके, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपने याद करना है कि जो सब चेस्ट पेन के होते हैं, सबसे पहले तो आपने एंजाइना और MI वगैरह को डिफरेंशिएट करना होता है। इसके अलावा टेट सिंड्रोम है, टेट सिंड्रोम क्या होता है, कॉस्टोकॉन्ट्राइटिस होता है, इसमें पालपेशन करने से चेस्ट पेन बढ़ जाता होता है, जो कि डाइसेक्शन है, इसमें टेयरिंग चेस्ट पेन होता है जो कि बैक पर रेडिएट करता है, अनइक्वल BP होता है बिटवीन द आर्म्स। नेक्स्ट है पेरिकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस में चेस्ट पेन होता है जो कि पोजिशनल से चेंज हो जाता है, लाइक सिटिंग फॉरवर्ड से ठीक हो जाता है, लेटने से खराब हो जाता है। ओके, लाइक इसके बाद है गर्ड, है गर्ड में जो चेस्ट पेन है बर्निंग के नेचर का होता है, बैड टेस्ट और कफ हॉर्सनेस देखने को मिलती है। नमूनिया में क्या होता है, नमूनिया में कफ स्पुटम होता है, कंसोलिडेशन होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सडन ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ओके, टैकीकार्डिया और टैकीपनिया देखने को मिलता होता है। निमोथोरैक्स में क्या होता है, शार्प प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, ट्रके की डेविएशन होती है, और पेप्टिक अल्सर डिजीज में एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है, फूड से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन एंजाइना एंड MI है। ओके, एंजाइना और MI दोनों कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होते हैं, लेकिन एंजाइना में क्या होता है, इस्कीमिया होता है, नेक्रोसिस नहीं होता, दैट इज वाई कोई कार्डिक एंजाइम भी एलिवेटेड नहीं देखने को मिलते हैं। और एंजाइना की 3 टाइप्स होती है, स्टेबल, अनस्टेबल और प्रिंसमिटल होता है। MI में नेक्रोसिस होती है और कार्डिक बायो मार्कर देखने को मिलते होते हैं। इसके अलावा ECG करा लोगे, ECG में तमाम एंजाइना में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होती है, लेकिन प्रिंसमिटल में एसटी सेगमेंट की एलिवेशन देखने को मिलती है। ओके, एंड MI कैन अकर विदाउट एसटी सेगमेंट एलिवेशन। इन्वेस्टिगेशन इन एंजाइना तो क्या क्या करवा देते हैं, एंजाइना के अंदर सबसे पहले रेस्टिंग ECG करा लेती है जो कि नॉर्मल होती है, या प्रीवियस MI की वजह से क्यूवियस होती है। इसके अलावा
एक्सरसाइज ईसीजी करा लोगे, ओके ठीक हो गया, एक्सरसाइज ईसीजी करा लोगे, एक्सरसाइज ईसीजी को एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल ईसीजी कराओगे, फिर पेशेंट को कहोगे ट्रेडमिल पे भागो, और फिर आप मैक्सिमम हार्ट रेट तक लेके जाओगे। मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है, 220 माइनस एज होता है, और फिर आप ईसीजी को दोबारा देखोगे तो आपको स्टिफ साइक्लिक डिप्रेशन और टी वेव की इनवर्जन देखने को मिलती है। अगर पेशेंट नहीं चल सकता तो आपने क्या करना है, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन कराना होता है, जिसको थीलियम स्कैन करते हैं। आप ईसीजी नहीं कर सकते, बंदा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है, ईसीजी नहीं है तो आप थीलियम स्कैन पे जाओगे, और इसमें एक्सरसाइज से कर सकते हैं या डाइपैरेटमोल से दे सकते हैं, ओके। यानी आप फार्माकोलॉजिकल में डाइपैरेटमोल, एडीनोसिन, डोब्यूटामिन या डाइपैरेटमोल से कर सकते हैं, ओके। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी भी एक्सरसाइज से कर सकते हैं या फिर आप डोब्यूटामिन दे के कर सकते होते हैं, ठीक हो गया। सारे स्ट्रेस टेस्ट होते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड आपका सीटी एंजियोग्राफी होता है, जिसमें डाई आर्टरीज में डालते हैं और आर्टरीज को देख लेते हैं, ओके। ये डिसाइड करते हैं कि आपने पीसीआई करना या कैबेज करना होता है। इन शॉर्ट, नॉर्मल ईसीजी है तो आपने स्ट्रेस टेस्ट करने, या स्ट्रेस टेस्ट में आपने एक्सरसाइज इंटॉलरेंस टेस्ट है, ओके, थीरियम स्कैन और इकोकार्डियोग्राफी या फिर सीटी एंजियोग्राफी कराना, इसके अलावा एमआर एंजियोग्राफी है, और प्रिंस मेटल एंजाइना के लिए कुछ प्रोवोकेशन टेस्ट होते हैं, निमोनिक एचईसी, हाइपर वेंटिलेशन, ओके, एरिगोटामीन और कोल्ड प्रेशर टेस्टिंग आ जाता है। क्लियर, सही हो गया। मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना, एंजाइना के क्या मैनेजमेंट होती है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें स्मोकिंग सेंसेशन, वेट को कम करना, एक्सरसाइज करनी है, ओके, साल्ट शुगर फैट को कम से कम लेना होता है, फिर एंटी प्लेटलेट ड्रग आ जाती है, एस्पिरिन और क्लोपिड डॉक्टर लग ऐड कर दोगे, और आगे एंटी एंजाइनल ड्रग है, एनसीबी, नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर है। जो नाइट्रेट्स होती है इसमें ग्लिसरॉल, ट्राई नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन है, ये प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को कम कर देती होती है। क्लियर, सही हो गया। अब इनके साइड इफेक्ट में क्या होता है, ओके, इनके साइड इफेक्ट में क्या होता है कि हेडेक, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलती होती है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर है, ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कि डाई हाइड्रोपेरिडिन या नॉन डी हाइड्रोपेरिडिन वाली कैटेगरी से बिलोंग करते होते हैं, और इसके अलावा पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर है और फनी करंट इनहिबिटर है, ओके। और आपका रीवास्कुलराइजेशन थेरेपी के अंदर पीसीआई होता है, जिसको एंजियोप्लास्टिक कहते हैं, और दूसरा कैबेज आता होता है, ठीक है। अब एंजियोप्लास्टिक अब बैलून से कर सकते हैं या स्टैंडिंग से कर सकते होते हैं, क्लियर, सही है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका और कहते हैं कि तमाम कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट में आपने एस्पिरिन, क्लोपिड डॉग्रे और स्टैटिन आपने देना होता है। अब फार्माकोथेरेपी ऑलरेडी हो चुका है, सीआरटी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैबेज में जो मोस्ट कॉमन ग्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल मेमोरी आर्टरी का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा रेडियल आर्टरी और ग्रेट स्टैफेंसमेंट का भी करते हैं। ग्राफ्ट की पेटेंसी को देखने के लिए सीटी स्कैन करते होते हैं, और जो आप पीसीआई करते हैं ना, पीसीआई में रीस्टिनोसिस ना हो जाए या ओक्लूजन ना हो जाए, ओके, ऑक्लूजन ना हो जाए या रीस्टिनोसिस ना हो जाए, तो ओक्लूजन को मिनिमाइज करने के लिए, न्यू इंटीमल हाइपरप्लेजिया को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम सिरोलिमस या पैक्लिटैक्सेल ऐड करते होते हैं। अब पीसीआई कब करते हैं, जब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है विद एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, टू वेसल या सिंगल वेसल डिजीज में करते होते हैं, क्लियर। और जबकि आप कैबेज कब करते हैं, जब आपको थ्री वेसल डिजीज हो, एटलीस्ट 70% स्टिनोसिस हो, ओके, या लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हो, या टू वेसल डिजीज हो डायबिटीज वाले पेशेंट में। और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है कैबेज की, पैरी ऑपरेटिव स्ट्रोक हो सकता है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो सकती है, नॉट ऑन प्रिंस मेटल एंजाइना। प्रिंस मेटल एंजाइना को वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं, ओके, ट्रांसजेंट क्रोनरी वेजोस्पाज्म की वजह से होता है, फिक्स्ड एथेरोमेटस लियन होती है, लेकिन नॉर्मल क्रोनरी आर्टरीज में भी होता है, यंग फीमेल्स में होता है, खासकर स्मोकिंग की हिस्ट्री में। ट्रांसजेंट एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है, बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल नहीं करना, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं। एक नीचे लिखा हुआ है सिंड्रोम एक्स, सिंड्रोम एक्स क्या होता है, एंजाइना ओन एक्सर्शन देखने को मिलता है, लेकिन क्रोनरी आर्टरीज नॉर्मल होती है, ओके। एंजियोग्राफी पे क्रोनरी आर्टरीज नॉर्मल होती है, लेकिन स्ट्रेस टेस्टिंग पे आपको इस्कीमिया के साइंस मिल रहे हैं, ओके, यानी स्टेबल एंजाइना है जिसके साइंस मिल रहे हैं, लेकिन एंजियोग्राफी नॉर्मल है, दिस इज कॉल्ड सिंड्रोम एक्स। और प्रोवोकेशन टेस्ट कौन कौन से होते हैं इसके लिए, एचईसी, एरगोटामीन, ओके, इसके अलावा यानी हाइपर वेंटिलेशन है, एरगोटामीन है, और कोल्ड प्रेशर टेस्टिंग आ जाता है ट्रीटमेंट में, जो बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्लियर। बाकी पीसीआई, कैबेज वगैरह कर सकते होते हैं, ओके। वट आर द टाइप्स ऑफ क्रोनरी हार्ट डिजीज, तो क्रोनरी हार्ट डिजीज स्टेबल हो सकती है एंजाइना, स्टेबल एंजाइना एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम में, अनस्टेबल एंजाइना एम आई है, एम आई स्टेमी, अनस्टेमी हो सकता है, सडन कार्डिक डेथ है। नेक्स्ट का बट स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना क्या होता है, सब स्टेनस चेस्ट पेन होता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से होता है, फिक्स्ड एथेरोमेटस स्टेनोसिस की वजह से देखने को मिलता होता है। बट सिंड्रोम एक्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, एंजाइना में एक्सर्शन है, स्ट्रेस टेस्ट में इस्कीमिया होता है, लेकिन एंजियोग्राफी नॉर्मल होती है, ओके। ये भी हो गया हमारा एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम, नहीं एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम तो रहता है, ओके। इसमें 8 फ्लैश कार्ड है, कार्डिक एंजाइम इन एमआई, तो एमआई में कौन कौन से कार्डिक एंजाइम करवाते होते हैं, ओके, जो फर्स्ट एंजाइम होता है वो आपका मायोग्लोबिन होता है, ओके, जो फर्स्ट कार्डिक एंजाइम टू राइज एंड फॉल तो वो सीकेएमडी होता है, ओके, लेट एंजाइम एलडीएच होता है, इसके अलावा ईएसटी भी होता है, फर्स्ट टू राइज मायोग्लोबिन है, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रोपोनिन आई होता है, ओके, टू चेक रीन फंक्शन सीकेएमडी होता है, जो सीकेएमडी होता है 4 से 6 घंटों के बाद राइज करता होता है, ओके, 12 घंटों में पीक आती है या 24 घंटों में पीक आ जाती है, 48 to 72 आवर्स में वापस आ जाता होता है, क्लियर। और अगर ये वापस आ जाए यानी वापस पीक पर चला जाए, इसका मतलब रीन फंक्शन हुआ है। ट्रोपोनिन भी 4 से 6 घंटों के बाद एलिवेटेड होते हैं, वैसे यूजली 6 से 8 घंटों के बाद एलिवेटेड होते हैं, क्लियर। पीक इनकी 12 घंटों पर आती है और ये 2 हफ्ते में वापस आते होते हैं, ओके। तो ये रीन फंक्शन के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते होते, गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।
क्लिनिकल फीचर ऑफ एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम, तो एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम में रिट्रो स्टर्नल पेन होता है जहाँ में नेक में और आर्म में रेडिएट कर रहा होता है, साथ में ब्रेथलेसनेस, वॉमिटिंग, स्वेटिंग और कोलैप्स भी होता है, और चेस्ट की टाइटनेस आपको देखने को मिलती है। साइंस में क्या होता है, JVP आपको रेस देखने को मिल सकती है, लाइक हार्ट फेलियर के साइंस मिल सकती है, लाइक JVP राइज है, क्रैकर्स में, लंग फेल्ड में, S3 हार्ट साउंड आपको सुनाई दे रही है, या फिर इस्कीमिया के क्या साइंस हो सकते हैं, इस्कीमिया के साइंस में आपको S4 साउंड सुनाई देती है, यानी S4 इस्कीमिया की वजह से हो रही है, या न्यू माइट्रल रिजर्जिटेशन मर्मर होता है, क्लियर। जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है विदिन फर्स्ट आर, तो वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या टैकीकार्डिया की वजह से होती है, आफ्टर फर्स्ट आर तो वो क्या होती है, ओके, हार्ट फेलियर की वजह से होती है। और इसमें क्लास इस्तेमाल करते हैं, वो है क्लिप क्लास टू शो सिवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर, ओके। क्लास 1 का मतलब है नो हार्ट फेलियर, क्लास 2 का मतलब है क्रैकल्स है जो कि ऑडिबल हाफ वे अप द चेस्ट, ओके, हाफ वे क्रैकल्स है या फिर S3 है। क्लास 3 के अंदर आपको क्रैकल्स पूरी लंग फील्ड में मिलते होते हैं, और क्लास 4 में क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, क्लियर, ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी भी आपको क्लास 4 में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI विद ट्रीटमेंट है, कि MI की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो सकते हैं, इनको कैसे ठीक करोगे, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज को यही काज ऑफ डेथ करवा देते हैं, तो आपने क्या इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर देने होते हैं। एट्रल एरिथमियाज को ठीक करने के लिए डाइजॉक्सन देते हैं। एक्यूट हार्ट फेलियर हो रहा है तो लूप डायरेटिक नाइट्रेट्स है, पेरिकार्डिटिस है तो ओपियाइड्स, एस्पिरिन, एनसेड्स, राइट है। ड्रेसलेस सिंड्रोम है, पोस्ट MI पेरिकार्डिटिस होता है, तो इसमें आपने हाई डोज एस्पिरिन, एनसेड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है तो एंटी कोगुलेशन आपने करनी होती है, ओके, क्लियर, सही हो गया। और अगर वेंट्रिकुलर का रप्चर हो गया, वेंट्रिकुलर का रप्चर तो कार्डिक टेम्पोनाट हो सकता है, जिसमें पेरिकार्डियोसेंटेसिस करोगे, आइनोट्रॉप्स दोगे और सर्जरी वगैरह कर दोगे। अगर पैपिलरी मसल रप्चर हो गया तो माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाएगी, पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है, S3 होता है, पल्मोनरी एडिमा होता है, इसमें आपने मिट्रल वाल्व की रिप्लेसमेंट करनी है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रप्चर हो गया तो VSD हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ऑक्सीजन स्टेप अप थेरेपी होता है, राइट वेंट्रिकल फेल हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट सर्जरी होता है। नेक्स्ट है ECG चेंजेस इन MI है, ओके। तो MI में सबसे पहले आपको टाल टेंकी टी वेव या हाइपर एक्यूट टी वेव देखने को मिलती है, फिर आपको क्या देखने को मिलता है, स्लीप सेगमेंट की डेविएशन देखने को मिलती है। एलिवेशन का मतलब है ट्रांसव्यूरल इस्कीमिया, डिप्रेशन का मतलब है पेंडोकार्डियल इस्कीमिया या इन्फेक्शन, ठीक हो गया। क्यू वेव्स प्रायर इन्फेक्शन को शो करती है, और टी वेव इन वर्जन लेट आपको देखने को मिलती है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ओके, यहाँ पे ECG चेंजेस लिखा हुआ है। इंफीरियर वाल के लिए 2-3 AVF होता है, और राइट कोरोनरी आर्टरी होता है, और राइट कोरोनरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंफीरियर वाल का MI है ना, इसमें आपको ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलता है, इसमें आपको कहने का मतलब है कि प्री लोड डिपेंडेंट हार्ट फेलियर देखने को मिलता है, यानी जिसमें आपने प्री लोड आपने देने होते हैं, ओके, क्लियर। हाई वॉल्यूम फ्लूड रिप्लेसमेंट करनी होती है। एंटीरियर वाल का MI है तो V3 V4 के लिए होता है, और एंटीरियर सेप्टल V1 V2 V3 V4 LAD आर्टरी होती है, सबसे कॉमन आर्टरी यही होती है। एंटीरियर लैटरल है, लैटरल वाल आपकी वन कौन सी लैटरल वाल होती है, 1 AVL V5 V6 होती है, ओके, ठीक है। ये कौन सी आर्टरी होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होती है। पोस्टीरियर वाल में आपको ST सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलती है, V1 V2 V3 V4 टाल अपराइट टी वेव होती है, और टाल आर वेव्स देखने को मिलती है, और ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को शो करती है, ओके। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, तो सबसे पहले ECG करा लेते हैं। ECG में आपको टाल टी वेव मिलती है, ST सेगमेंट डेविएशन होती है, क्यू वेव होती है, और आपको टी वेव की इन्वर्जन देखने को मिलती होती है। बाकी इसके बाद CBC, ESR, CRP, RFT, LFT करा लोगे, इको करा लोगे, एक्सरे चेस्ट करा लोगे, और कार्डिक बायोमार्कर तो कराने कराने हैं। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम है, पहले पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है, इमीडिएट थेरेपी आपने मोना देना है, मोना में आपका मॉर्फिन, ऑक्सीजन नाइट्रेट्स और एंटीप्लेटलेट एस्पिरिन आ जाती है। फिर आपने देखना है कि ECG कराई तो ST सेगमेंट एलिवेशन था या नहीं, अगर था तो आपने थ्रोम्बोलिटिक्स या पहले PCI आपने देने हैं। PCI में कौन सा होता है, परक्यूटेनियस क्रोनरी एंजियोप्लास्टी होता है, ये आप देते होते हैं विदिन 90 मिनट्स के अंदर, ठीक हो गया। डोर टू नीडल टाइम 30 मिनट्स होता है, और फिर अगर आपने देखा अगर अवेलेबल नहीं है या फिर काउंटर इंडिकेशन है PCI के, तो आपने थ्रोम्बोलाइसिस की तरफ जाना होता है, थ्रोम्बोलाइसिस आप 30 मिनट्स के अंदर करते होते हैं। साथ में आपने GP2B3 इनहिबिटर भी ऐड करने हैं, लाइक एप्सिक्सम, एक्टिव फिबरटाइड, टीटोफिवान, ठीक हो गया। और लॉन्ग टर्म थेरेपी के अंदर आप एस्पिरिन देते होते हैं, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, बीटा ब्लॉकर, स्टैटिन, और आप एस इनहिबिटर ऐड करते होते हैं टू प्रिवेंट एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट हो जाएगा हमारा, ओके। नोट, द बेस्ट एंटीकोगुलेंट है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, वो आपका फोंडा पैरेनिक्स होता है, सबसे बेस्ट कौन सा होता है, फोंडा पैरेनिक्स होता है। अब इसकी वजह क्या होती है फोंडा पैरेनिक्स की, ओके, बेस्ट सेफ्टी और एफिकेसी प्रोफाइल होता है, बेस्ट सेफ्टी और एफिकेसी प्रोफाइल होता है। इसके अलावा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या बीवालडिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब रिपरफ्यूजन थेरेपी जब स्टेमी करते हैं ना, ओके, लाइक जब स्टेमी के केस में क्या होता है, रिपरफ्यूजन थेरेपी करते हैं तो जो थ्रोम्बोलाइसिस है, स्ट्रेप्टोकाइनेस है, वो अपने 30 मिनट्स के अंदर करनी होती है, डोर टू नीडल टाइम 30 मिनट्स का होता है। ऐसे ये फर्स्ट 12 आवर में कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट बेनिफिट क्या होता है, हाई बेनिफिट फर्स्ट 2 आवर में है, और हाईएस्ट होता है फर्स्ट 30 मिनट में। PCI है, एंजियोप्लास्टी विद बैलून और स्टंटिंग से करते हैं, 90 मिनट्स में करनी होती है आपने, ओके। और GP2B3 इनहिबिटर ऐड करते हैं, एप्सिक्समाब और टीरोफिबान, एक्टिफिबाटाइट है। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट स्टेमी का क्या है, PCI होता है, ओके। और इसके बाद लिखा है कि हम क्यों नहीं एनस्टेमी में और अनस्टेबल एंजाइना में रिपरफ्यूजन थेरेपी दे रहे हैं, ओके, क्योंकि रिपरफ्यूजन थेरेपी किसी काम की नहीं है, बल्कि हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि जो है ना इन्फेक्शन रिलेटेड आर्टरी है वो 60-85% ओक्लूडेड होती है,
बल्कि इससे कम की ओक्लूडेड होती है, 60 to 85% ओक्लूडेड नहीं होती। जब 70% स्टेनोसिस होती है तब हम पीएसीआई करते हैं, और थ्रोम्बोलाइसिस का कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्लेटलेट रिच क्लॉट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था। ओके, अच्छा, आई वी रूट शुड बी यूज एन एम आई है। कहते हैं आई एम रूट को क्यों नहीं सिलेक्ट करते, क्योंकि मसल की परफ्यूजन ऑलरेडी कम हुई पड़ी होती है एम आई के केस में। लॉन्ग टर्म थेरेपी का निमोनिक है बैन, ए आई है, ए आई को बैन कर दो, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। बीटा ब्लॉकर, एस्पिरिन, नाइट्रेट्स, एस इनहिबिटर और इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर टू प्रिवेंट सडन कार्डिक डेथ। तक तो ये सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो गया। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन एम आई, ओके, विद इन फर्स्ट आवर एरिथमियाज होते हैं, और आफ्टर फर्स्ट आवर तो हार्ट फेलियर की वजह से होता है। बट आर द टाइप्स ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, तो अनस्टेबल एंजाइना, एंजाइना एट्रेस्ट होता है, इस सेगमेंट की डिप्रेशन होता है और कार्डिक एंजाइम नहीं होते। एनस्टेमी में रिट्रोस्टर्नल पेन आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर 30 मिनट से ज़्यादा का वैसे यूजली होता है। एस्टी सेगमेंट की डिप्रेशन होता है, और टी वेव की आपको इन्वर्जन आपको देखने को मिलती है। ओके, टी वेव की इन्वर्जन आपको देखने को मिलती है, एस्टी सेगमेंट डिप्रेशन होता है, कार्डिक एंजाइम पॉजिटिव होते हैं। स्टेमी में 30 मिनट से ज़्यादा का हार्ट फेलियर होता है, एस्टी सेगमेंट एलिवेशन या लेफ्ट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक होती है, एस्टी सेगमेंट की एलिवेशन, ओके, 1 मिलीमीटर से ज़्यादा की लिम्ब लीड्स में और 2 मिलीमीटर से ज़्यादा की चेस्ट लीड्स में होती है, और कार्डिक एंजाइम आपको ज़्यादा देखने को मिलते होते हैं। ऑलमोस्ट ये हमारा हो गया है। इसके बाद मिसलिनियस वगैरह स्टार्ट करते हैं। मिसलिनियस वाला है, ओके, आई थिंक आई शुड, मुझे डाटा बंद कर देना चाहिए। ओके, हाउ कैन एम आई कैन कॉज पैन सिस्टोलिक मर्मर, कि कैसे एम आई पैन सिस्टोलिक मर्मर करवा सकता होता है। ओके, तो कहाँ पर पैन सिस्टोलिक मर्मर आफ्टर एम आई, तो पैपलरी मसल का रप्चर हो सकता है जिसकी वजह से माइक्रो रिगर्जिटेशन हो सकती है, इस वजह से हो सकता है रप्चर ऑफ वी एस टी, वेंटिकुलर सेप्टम, इंटर वेंटिकुलर सेप्टम रप्चर हो गया तो उसकी वजह से एक्वायर्ड वी एस टी होगा, उसमें भी पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है, लेकिन वो लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पर देखने को मिलता है, और एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर इसकी वजह से माइक्रो रिगर्जिटेशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन ऑफ कॉआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। ओके, तो कॉआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन, वो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन रेडियो फेमोरल डिले होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कॉआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा की वजह से, हाइपर टेंशन है, हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो सकता है, डाइसेक्शन हो सकता है, सेरिब्रल हैमरेज हो सकता है, दैट इज़ वाई आपने इसको बचपन में ठीक कर देना होता है। यूज़ ऑफ बीटा ब्लॉकर इन मेडिसिन, तो बीटा ब्लॉकर बहुत सारी कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं, लाइक सीवीएस के अंदर आपको बताया कि हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज है, और फिर हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, और एंडोक्राइन में फियोक्रोमासाइटोमा आ जाएगा, और थायरोटॉक्सिकोसिस है, और सीएनएस में माइग्रेन आ जाएगा। ओके, एनजाइटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, एसेंशियल ट्रामा के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ एंटी रिदमिक्स है, ओके, एंटी रिदमिक्स ना फार्मा आ गया, क्लास वन में आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर लाइक क्विनिडीन है, लिडोकेन है, प्रोकेनामाइड है, फ्लेक्सेनाइड है, क्लास टू में बीटा ब्लॉकर है, क्लास थ्री में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर अलग इबिट्रियोन है, और क्लास फोर में आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, क्लास फाइव में मिसलिनियस एडिनोसिन आता है। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या करते हैं, कार्डिक मसाज वगैरह करते हैं, एडिनोसिन देते हैं, और क्लास टू और क्लास फोर ड्रग इस्तेमाल करते हैं। क्लास टू में आपका बीटा ब्लॉकर और क्लास फोर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अगर वेंट्रिकल का एरिथमिया तो क्लास वन और क्लास थ्री ड्रग इस्तेमाल करनी होती है। ओके, लाइक प्रोकेनामाइड हम इस्तेमाल करते होते हैं वोल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर, ठीक है, और क्लास थ्री में आपकी इमिड्रियोन आ जाती है। ओके, और अगर कोई भी पेशेंट अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो कार्डियो वर्डियन आपने करना है, और डिफिब्रिलेशन के केस में या पल्सलेस वीटी में आपने डिफिब्रिलेशन करनी होती है। बट इस कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, लॉस ऑफ पल्स होता है। ओके, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम बोलते होते हैं, ओके, कार्डिक अरेस्ट कहते होते हैं। ओके, लॉस ऑफ पल्स को बोलते हैं हम, ओके, कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। अब कार्डिक अरेस्ट को दो में डिवाइड करते हैं, शॉकेबल रिदम और नॉन शॉकेबल रिदम होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, अब कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे ना अगर पल्स भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी नहीं है, ओके, यानी सडन लॉस ऑफ पल्स को बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट, और अगर पल्स भी नहीं है, कार्डिक एक्टिविटी भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं एसिस्टोल। अब जो आपको कार्डिक अरेस्ट होता है उसको दो में डिवाइड करते हैं, शॉकेबल और नॉन शॉकेबल है। शॉकेबल में आपके वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्स प्लस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और नॉन शॉकेबल में एसिस्टली और पल्स प्लस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ जाती है। एसिस्टली में पल्स भी गायब है, कार्डिक एक्टिविटी भी खत्म है, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए आप सीपीआर करते होते हैं, मेन मैनेजमेंट क्या है, सीपीआर से करते होते हैं। ओके, कहते हैं चार सिचुएशन जिसमें कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, वो ऊपर वाला है, शॉकेबल रिदम है, तो डिफिब्रिलेशन और सीपीआर करते हैं। सीपीआर आप तीन पहले शॉक देते हैं, तीन मतलब शॉक देते हैं, पहले शॉक दिया, फिर सीपीआर किया, फिर आईवी नल लगाई, फिर दोबारा शॉक दिया, फिर सीपीआर किया, फिर आपने एपिनेफ्रिन एंडोट्रेकल ट्यूब लगाई, फिर दोबारा शॉक दिया, सीपीआर किया, और फिर आपने मिलिट्रीगोन लगा दिया। अगर नॉन शॉकेबल है तो डिफिब्रिलेशन नहीं करनी है, सिर्फ सीपीआर करना है। नॉन शॉकेबल में आपका कार्डिक अरेस्ट, एसिस्टली और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिक्रीज पल्स इन वन लिम, यानी रेडियो रेडियल डिले है। ओके, अगर पल्स वगैरह डेफिशिएंट आ रही है, डिक्रीज पल्स है, रेडियो रेडियल डिले वैसे आपको देखने को मिलता है टकायासु में। पहले सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी कर लोगे, एंजियोग्राफी करा लोगे, एमआर एंजियोग्राफी या सीटी एंजियोग्राफी है। ओके, नेक्स्ट है पेरिकार्डियल डिजीज। ओके, पेरिकार्डियल डिजीज में बस इतना ही सही, तीन फ्लैश कार्ड है। कॉजेज ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस यानी इन्फेक्शन की वजह से होता है, मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, कॉक्सा की वायरस की वजह से देखने को मिलता है, इसके अलावा इको वायरस है, टीबी की वजह से हो सकता है, पोस्ट एम आई या टेटिस कार्ड रेस्टलेस सिंड्रोम यूरेमिक में देखने को मिल सकता है,
एस्थेलिया की वजह से हो सकता है, रेडियोथेरेपी की वजह से हो सकता है, या कोई मलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है लाइक मेसोथेलियोमा। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में आपको रेट्रो स्टर्नल चेस्ट पेन होता है, लेकिन ये क्या होता है, पोजिशनल होता है। मतलब है कि जब आप लेटोगे ना सीधा तो खराब हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, और जब आप सिटिंग फॉरवर्ड से रिलीव हो जाता है, और ये पोजिशनल भी होता है, और ये प्लूराइटिक होता है, डीप ब्रीदिंग से ये आपको एग्रवेट हो जाता है। ओके, और इसमें आपको पेरिकार्डियल फ्रैक्चर भी देखने को मिलती है, स्क्रैची साउंड होती है जो कि आपको सुनाई देती होती है सिस्टली के अंदर, एट्रल सिस्टली, वेंट्रिकुलर सिस्टली और अर्ली वेंट्रिकुलर डायस्टली में देखने को मिलती है। एक्सपायरेशन में ज्यादा अच्छे से सुनाई देती है। ईसीजी करा लोगे, ईसीजी पे क्या होता है, ईसीजी के अंदर आपको क्या मिलेगा, एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन होता है, सॉरी एसटी सेगमेंट की एलिवेशन होता है, ग्लोबल एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, टीवीएफ के इनवर्जन है, और अपवर्ड कॉनकेविटी होता है, और पीआर इंटरवल की डिप्रेशन भी देखने को मिलती होती है, क्लियर, और टीवीएफ के इनवर्जन भी होती है। ट्रीटमेंट में एस्पिरिन एनएसएच स्टेरॉइड आपने इस्तेमाल करना होता है। अगर प्रूरेंट पेरिकार्डिटिस है तो एंटीबायोटिक्स और पेरिकार्डियोसेंटेसिस है। अगर टूबरकुलस है तो ATT इस्तेमाल करना है। ओके, और 3 मंथ कोर्स ऑफ स्टीरॉयड आपने इस्तेमाल करना होता है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, पुरुलेंट वाला भी हो गया, टीबी वाला भी हो गया। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, लेकिन मैंने गलती से प्लूरल फीएन खोल लिया, चलो इसी को फिनिश कर लेते हैं। ओके, क्लिनिकल फीचर ऑफ प्लूरल फीएन है, तो प्लूरल फीएन ही पेरिकार्डियल फीएन है। अच्छा, पेरिकार्डियल फीएन में आपको फ्रैक्शन लब सुनाई देता है। ओके, जस्ट लाइक उसमें था, लेकिन पल्सिस पैराडॉक्सिस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पल्सिस पैराडॉक्सिस आपको कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में देखने को मिलता है, कार्डियक ब्रांच में होता है, और एक्यूट सीवियर अस्थमा में देखने को मिलता है। पल्सिस पैराडॉक्सिस का मतलब होता है कि डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 10 मिलीमीटर और इंस्पायरेशन, ठीक हो गया। बैक स्ट्राइड होता है कार्डियक टेम्पोनाट में, वो क्या होता है कि ओके मफल्ड हार्ट साउंड होता है, JVP बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना। पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर से फ्लूड एक्यूमुलेट होगा, और फ्लूड एक्यूमुलेट की वजह से एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर होना, तो उसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनाट। कार्डियक टेम्पोनाट में हार्ट साउंड सॉफ्ट होती है, अपेक्स स्पीड ऑब्सक्यूट हो जाती है, फ्रिक्शन लब सुनाई देती है ड्यू टू पेरिकार्डिटिस। इवार्ट साइन होता है, इवार्ट साइन क्या होता है, एरिया ऑफ डलनेस बिलो द एंगल ऑफ लेफ्ट स्कैपुला। ओके, लेफ्ट एंगल ऑफ लेफ्ट स्कैपुला के नीचे आपको एरिया ऑफ डलनेस मिलती है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ बेस ऑफ लेफ्ट लंग बाय इफ्यूजन। ओके, दिस इज कॉल्ड इवार्ट साइन। ओके, इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलता है विदाउट एनी पल्मोनरी एडिमा। बैक स्ट्राइड होता है लाइक मफल्ड हार्ट साउंड, ब्लड प्रेशर कम होना, JVP पर जाना। पल्सिस पैराडॉक्सिस होता है, टकिपनिया होता है, नॉन पल्सेटाइल JVP देखने को मिलती है। कॉजेस के अंदर एओर्टिक डायसेक्शन है। ओके, MI की वजह से कोई वेंट्रिकल रप्चर हो गया है, पेरिकार्डाइटिस है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया। तमाम पेशेंट जिनको कोई पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा है, तो उसमें आपने क्या सस्पेक्ट करना होता है, ओके, यही कार्डियक टेम्पोनाट वगैरह। डायग्नोसिस ऑफ पेरिकार्डियल टेम्पोनाट या कार्डियक टेम्पोनाट, ECG करा लोगे। ओके, सबसे पहले ई फास्ट करा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड वाला इमरजेंसी के अंदर ECG करा लोगे। लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स होता है, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस होता है। चेस्ट एक्सरे करा लोगे, लार्ज हार्ट होता है, लार्ज ग्लोबुलर हार्ट होता है, वाटर बॉटल अपीयरेंस देखने को मिलती है। इकोकार्डियोग्राफी सबसे यूजफुल होती है, इसमें आप प्लूरल फीएन वगैरह को देख लोगे। ओके, ठीक हो गया, लार्ज ग्लोबुलर हार्ट होता है। और मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट के अंदर आपने पेरिकार्डियो सेंटेसिस करनी होती है, क्लियर। ओके, पेरिकार्डियो सेंटेसिस कब करते हैं, पेरिकार्डियल फ्यूजन हो या फिर कार्डियक टेम्पोनाट हो। टेक्निक क्या होती है, सब डिफाइंड अप्रोच होती है, टिप टूवर्ड्स द टिप, जो टिप होती है ना वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ होती है। ओके, ये भी हो जाएगा हमारा। इसके बाद कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में कुछ स्मॉल साइन देखने को मिलता होता है, क्लियर, सही हो गया, कुछ स्मॉल साइन देखने को मिलता है। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस क्या होता है, थिकनिंग फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ पेरिकार्डियम होता है, टूबरकुलस की वजह से होता है, इसके अलावा हीमो पेरिकार्डियम या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से होता है। अब इसमें राइट साइडेड का हार्ट फेलियर होता है, जिसकी वजह से आपको एडिमा, JVP बढ़ जाती है, हेपाटोमेगाली देखने को मिलती है। ओके, JVP बढ़ जाती है विद रैपिड वाइट डिसेंट है, कुछ स्मॉल साइन होता है JVP का बढ़ जाना, इंस्पायरेशन, पल्सिस पैराडॉक्सिस होता है, पेरिकार्डियल नॉक होता है। पेरिकार्डियल नॉक क्या होता है, एब्रप्ट सेंसेशन ऑफ वेंट्रिकुलर फीलिंग है। ओके, सही है। और इसके अलावा कुछ स्मॉल साइन पल्सिस पैराडॉक्सिस है, तो पेरिकार्डियल नॉक रट्टा मार लेना। मैनेजमेंट के अंदर क्या, चेस्ट एक्सरे करा लोगे, स्मॉल हार्ट होता है, पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है, लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स होता है, जस्ट लाइक कार्डिक टेम्पोनाट, और थिक एंड कैल्सिफाइड पेरिकार्डियम होता है। ट्रीटमेंट के अंदर पेरिकार्डियेक्टमी करनी है, डायुरेटिक्स आपको कोई फ्लूइड ओवरलोड है, क्लियर, और पेरिकार्डियेक्टमी करनी है, जिसके अंदर क्या करेंगे, पेरिकार्डियम को काट देंगे। इसके बाद वेल्वुलर डिजीज है, और आई थिंक दिस शुड बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, रूमेटिक फीवर, जॉन्स क्राइटेरिया। ओके, कॉज ऑफ डायस्टोलिक मर्मर इन रूमेटिक फीवर, तो वो माइट्रल वेल्व्युलाइटिस की वजह से होता है, कैरीकॉम्स मर्मर होता है। ओके, अगर कॉज ऑफ डायस्टोलिक मर्मर इन रूमेटिक फीवर, अच्छा वैसे डायस्टोलिक मर्मर एट अपेक्स तो क्या कॉज होते हैं, ओके, तो निमोनिया के कैम, कैरीकॉम्स मर्मर जो कि रूमेटिक फीवर में होता है, एओर्टिक रीगर्जिटेशन या माइक्रोस्टेनोसिस की वजह से देखने को मिलता है, क्लियर। कॉज ऑफ फॉलोइंग मर्मर, पैनसिस्टोलिक मर्मर किन किन वजह, हाथ की वजह से होता है, देखो ये पैनसिस्टोलिक मर्मर MR की वजह से होता है, TR की वजह से होता है, VST की वजह से होता है। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर या आपको एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से होता है। मिड डायस्टोलिक मर्मर या आपको कैरीकॉम्स मर्मर होता है, ओके, ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर होता है। इसके अलावा और किस में देखने को मिलता है, माइट्रल स्टेनोसिस में होता है, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर एओर्टिक रीगर्जिटेशन में होता है। ओके, सारे मर्मर का बता दिया,
आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिमैटिक फीवर। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, एट्रल फिब्रिलेशन है ना, एट्रल फिब्रिलेशन की वजह से सिम्बॉलिक स्ट्रोक है, ओके, MI हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। यानी क्रॉनिक में क्या होता है, मैथोस्टेनोसिस होता है, मैथोस्टेनोसिस लेफ्ट एट्रियम की डायलेटेशन होती है, एट्रल फिब्रिलेशन होती है, इसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, एट्रल फिब्रिलेशन हो सकती है। नॉन कार्डिक कॉजेज ऑफ रिमैटिक, नॉन कार्डिक फीचर ऑफ रिमैटिक फीवर, तो उसमें भी जॉन्स क्राइटेरिया वगैरह एक्सप्लेन कर रहा है, माइग्रेटरी पोलियोथराइटिस, पैनकार्डाइटिस, सबकुटेनियस नोडुलरिथिमा मार्जिनेटम, मस्टेडियन हैंड कोरिया होता है, क्लियर। और जो ये ठीक हो जाती है आफ्टर एक्यूट फेज है, यानी क्रॉनिक नहीं होती, लेकिन जो एट्रल फिब्रिलेशन है ये क्रॉनिक क्रॉनिकली प्रेजेंट कर सकता होता है पेशेंट में, सही हो गया, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हमारा हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर रिमैटिक फीवर ऑलरेडी बता चुका हूँ, जॉन्स क्राइटेरिया होता है, ओके सही है, मेजर में आपका होता है, तो मुझे वीडियो दरमियान में रोकनी पड़ गई, तो मेजर क्राइटेरिया में जॉन्स वाला था, माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस, पैनकार्डाइटिस, सबकुटेनियस नोडुलरिथिमा मार्जिनेटम, मस्टेडियन हैंड कोरिया, क्लियर। और आपका माइनर के अंदर कौन कौन सा होता है, माइनर के अंदर आपका CRP ज़्यादा होता है, ओके, इसके अलावा और क्या क्या होता है माइनर के अंदर, आर्थ्रेलजिया होता है, फीवर होता है, ESR ज़्यादा होता है, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होता है, एनीमिया ऑफ रिमैटिक फीवर होता है, लास्ट में क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस आपको देखने को मिलता होता है। और आपको डायग्नोस बनाने के लिए दो मेजर या फिर आपको क्या चाहिए, एक मेजर और दो माइनर चाहिए, और साथ में आपको प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की हिस्ट्री चाहिए, फॉर एग्जाम्पल स्कारलेट फीवर है, रेस्ट ESO टाइटर है, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी टाइटर है, और थ्रोट स्वैब कल्चर पॉजिटिव होता है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका थ्रोट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है, ओके। तो रिमैटिक फीवर की वजह से क्या होता है, रिमैटिक फीवर की वजह से पैनकार्डाइटिस देखने को मिलता है, पैनकार्डाइटिस में पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। अब जो एंडोकार्डाइटिस में एक्यूटली मैटर रिगर्जिटेशन, क्रॉनिक में मैटर स्टेनोसिस होता है, इसके अलावा कैरिकॉम्स मर्मर भी होता है, शॉर्ट में डायस्टोलिक मर्मर होता है ड्यू टू मैटर वाल्वुलाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन रिमैटिक फीवर मायोकार्डाइटिस होता है, रिमैटिक फीवर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा देता है, रिमैटिक फीवर मैटर स्टेनोसिस करवा देता है, मैटर रिगर्जिटेशन करा देता है, ओके सही हो गया, एओर्टिक रिगर्जिटेशन करवा देता होता है, और सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन वाल्व अफेक्टेड होता है वो मिटर वाल्व है, दूसरे नंबर पर आपको क्या होता है, ओके एओर्टिक वाल्व होता है, एक्यूटली रिगर्जिटेशन और क्रॉनिक में मैटर स्टेनोसिस करवा देता है, इंट्रो एंड पैथोजेनेसिस रूमेटिक फीवर, तो ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, ग्रुप है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की वजह से देखने को मिलता है, 5 से लेकर 15 साल वाले बच्चों में देखने को मिलता है, 1 से लेकर 4 वीक्स के बाद हिस्ट्री आती है, टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, मॉलिकुलर मिमिक्री देखने को मिलती होती है, और उसमें आपको जो एस्को बॉडी होती है वो पैथोगनॉमिक होती है, इसके अलावा मल्टी न्यूक्लियेटेड जॉइंट सेल होते हैं जिनको अनिश्कु सेल कहते हैं, मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स से सराउंडेड होते हैं, इन्वेस्टिगेशन इन रूमेटिक फीवर, तो रूमेटिक फीवर में CBC ESR CRP एलिवेटेड होता है, इसके अलावा प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए थ्रोट स्वैब कल्चर करा लोगे गैस मिलेगा पॉजिटिव, ESO टाइटर करा लोगे टाइटर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बाकी सेम इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ रूमेटिक फीवर इज माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस होता है, ओके एक्यूट एक्यूट होता है, इस एक्यूट पेनफुल होता है, एसिमेट्रिकल होता है और ये माइग्रेटरी होता है, नीज को एंकल को एल्बो को रिस्ट को इन्वॉल्व करता है, एस्पिरिन से रिस्पॉन्ड करता है, अगर नहीं करता तो आप लोग डायग्नोस चेंज कर लेना, ओके। प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी रूमेटिक फीवर तो कौन सी देते हैं, बेंजाल पेनिसिलिन देते होते हैं या फिर एरिथ्रोमाइसिन देते होते हैं, क्लियर, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर, तो ट्रीटमेंट के अंदर बेड रेस्ट और सपोर्टिव थेरेपी या एंटी स्ट्रेप्टोकोकल थेरेपी आप एक्यूट अटैक के लिए देते हैं, बेंजाल पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन, एंटी इन्फ्लेमेशन में एस्पिरिन या पेरिटोनिसोलोन है, कोरिया के लिए हैलोपेरिडोल या डायजीपाम है, और प्रोफाइलेक्टिक में आपको पता है कि बेंजाल पेनिसिलिन या फिर आपको एरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करनी होती है, सर्जरी के अंदर वाल्व की रिप्लेसमेंट या पेसमेकर इंसर्शन सर्जरी होती है, ओके इसके बाद नेक्स्ट है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, ओके ऑलमोस्ट ये जगह इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की जो क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, लाइक कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो सकता है, MI हो सकता है, ओके हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलाई हो सकता है, और एनोरिज्म की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है, बॉडी फैट ड्यूक्स क्राइटेरिया होता है, पॉजिटिव ब्लड कल्चर है, पॉजिटिव ब्लड कल्चर में आपको टिपिकल ऑर्गेनिज्म दो कल्चर से मिले आपको, और जो ब्लड कल्चर पॉजिटिव रहना चाहिए 12 घंटों से अपार्ट, और नंबर 3 या मोर पॉजिटिव ब्लड कल्चर आपको चाहिए होती है, इसके अलावा इंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट है कैसे पता लगेगा, इकोकार्डियोग्राफी से या न्यू वैल्वुलर रिगर्जिटेशन से, माइनर क्राइटेरिया में प्री डिस्पोजिंग हार्ट लिंग है, ओके फीवर है, IV ड्रग यूजर है, वास्कुलाइटिक फिनोमेना और इम्बोलिक फिनोमेना, वास्कुलाइटिक में रोस स्पॉट होता है, ओस्टल नोड होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और आर्थराइटिस होता है, जबकि इम्बोलिक के अंदर क्या होता है, ओके जैनवलियन और स्प्लिंटर हेमरेजेस आपको देखने को मिलते होते हैं, क्लियर सही हो गया, या ऑलमोस्ट सारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और फीवर अनीमिया हार्ट मर्मर सप्लीनोमिकली देखने को मिलती है, इन्वेस्टिगेशन इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ब्लड कल्चर लेते हैं 3 से लेकर 6 सेट्स लेते हैं ब्लड कल्चर के, सही है, इकोकार्डियोग्राफी करा लोगे आप, इसके अलावा ECG में AV ब्लॉक्स होगा, ECG एक्सरे चेस्ट है, CBC ESR CRP और सीरोलॉजी करा लोगे, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो आपने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को रिमूव करना होता है, एम्पिरिकल एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी होती है, जो एंटीबायोटिक वो अपने 2 हफ्ते तक चलानी होती है, ओके निमोनिक है परसिस्टेंट वेजिटेशन, ओके यानी ओके परसिस्टेंट वेजिटेशन में आप वेंकोमाइसिन जेंटामाइसिन इस्तेमाल करते हैं, ओके लाइक हम अगर मैं आपको कहूँ कि अगर कहने का मतलब है सब एक्यूट में आप क्या इस्तेमाल करते हैं, वेंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन इस्तेमाल करते हैं,
नहीं, सब एक्यूट में सिर्फ ट्रैक्सोन और जेंटामाइसिन है, एक्यूट में वैनकोमाइसिन और जेंटामाइसिन है, प्रोस्थेटिक वैन में वैनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन और रिफैम्पिन आ जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट ये तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? ओके, रिस्क फैक्टर क्या होता है? कोई एबनॉर्मल वाल्व या किसी प्रीवियस एंडोकार्डाइटिस की वजह से कोई वाल्व एबनॉर्मल हो चुका है। ओके, या रूमेटिक हार्ट डिजीज, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स की वजह से, या कोई वाल्व की डिजीज है, या फिर रिस्क को बैक्टीरिया है, तो वाल्व खराब हो गया या बैक्टीरिया ब्लड में आ गया, आईवी ड्रग यूजर है, या आईवी कैथेटर्स है, पुअर डेंटिशन है, हेमोडायलिसिस है, डायबिटीज है, या इंट्राकार्डिक डिवाइसेज है। ठीक हो गया। अगर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो प्रोफाइलेक्सिस किन कंडीशन में लेते हैं? अगर किसी को प्रोस्थेटिक वाल्व है या कोई वैल्वुलर डिजीज है हार्ट की, ओके, नहीं वैल्वुलर डिजीज नहीं, प्रोस्थेटिक वाल्व है, या कोई प्रीवियस एंडोकार्डाइटिस हो चुका है, ओके, या कोई वैल्वुलोपैथी हुई है, ओके, कार्डिक ट्रांसप्लांट हुआ था, ओके, विद वैल्वुलोपैथी और कॉन्जेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज है। डेंटल प्रोसीजर में अगर कोई, कहने का मतलब है कोई डेंटल प्रोसीजर है और या फिर कोई रेस्पिरेटरी प्रोसीजर है, जबकि जेनिटल यूरिनरी ट्रैक वाले में, जीआई जेनिटल यूरिनरी में, मेट्रल वाल्व प्रोलैप्स में और ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी में आपने प्रोफाइलेक्सिस नहीं देनी होती। क्या देती है प्रोफाइलेक्सिस में? अमोक्सिलिन और क्लिंडामाइसिन देते होते हैं। साइड्स ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मोस्ट कॉमन मेट्रल वाल्व होता है, सेकंड नंबर पर एओर्टिक आ जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व आई वी ड्रग यूजर में होता है, क्लियर स्टेफलोकोकस ओरियस की वजह से देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ओके, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन है, मोस्ट कॉमन होता है, स्टेफलोकोकस ओरियस मोस्ट कॉमन इंट्रावीनस ड्रग यूजर में होता है, ओके, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस स्टेफ ओरियस होता है, प्रोस्थेटिक में स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस आ जाता है, नो ऑर्गेनिज्म 10% में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हैसिक ग्रुप होते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव है, हैसिक में हीमोफिलस है, काइंटोबैसिलस है, कार्डियो बैक्टीरियम इकिनेला चिंजीला आ जाएगा। वट आर द काजेज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस? अगर कल्चर नेगेटिव है तो, अगर कल्चर नेगेटिव है तो ये आपका आ जाएगा कल्चर नेगेटिव, हैसिक वाला आपने रट्टा मार लेना। इसके बाद वट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस? तो ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, एंडोथीलियम का वेजिटेशन करा देता है और इम्बुलाई वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, माइटोल स्टेनोसिस है, ओके, ठीक है। इसके बाद माइटोल स्टेनोसिस वाला टॉपिक है, इसमें 6 कार्ड्स है माइटोल स्टेनोसिस के अंदर, ठीक है, ओके। तो माइटोल स्टेनोसिस क्या होता है? काजेज ऑफ माइटोल स्टेनोसिस के अंदर जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से हो सकता है। इसके अलावा माइट्रल एनुलर कैल्सिफिकेशन की वजह से आपको माइटोल स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है। SLE है या म्यूकोपोलीसाइकाइटोसिस है। क्लिनिकल फीचर ऑफ क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं? एग्जर्शनल डिस्निया होता है मोस्ट कॉमन, फटीक हो सकती है, लेफ्ट एट्रियम के इनलार्जमेंट की वजह से क्या होता है, ओके, लेफ्ट एट्रियम के इलार्जमेंट की वजह से आपको क्या देखने को मिलता होता है, ओके, डिस्फेजिया ऑर्टनर सिंड्रोम देखने को मिलता है, पाल्पिटेशन होती है ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलती है। साइंस के अंदर मैलर फेस होता है, एपेक्स बीट लोकलाइज और टेपिंग होती है, S1 लाउड होती है, P2 भी लाउड होती है, मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है, एपेक्स पे होता है, क्लियर। और इसके अलावा आपको ओपनिंग स्नैप भी देखने को मिलता है, जितना ज़्यादा S2 के करीब आ जाएगा उतना ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। माइटोल स्टेनोसिस ग्राहम स्टील मर्मर देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन की वजह से होता है, ओके, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, फीचर सीन इन चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा? स्ट्रेटनिंग ऑफ लेफ्ट हार्ट बॉटल ड्यू टू लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है, ओके, पल्मोनरी वेन इनलार्ज हो जाएगी, पल्मोनरी ट्रंक इनलार्ज हो जाएगा, कैरिना सप्ले हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ लेफ्ट मेन ब्रोंकस है और पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा और डबल शैडो देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन इन माइटोल स्टेनोसिस एक्सरे ECG इकोकार्डियोग्राफी कराते होते हैं और डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम के एनलार्जमेंट की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के एनलार्जमेंट की वजह से डिस्फेजिया हो जाएगा और ऑर्टनर सिंड्रोम हो जाएगा ड्यू टू रिकरेंट लेनिंजियल नर्व कंप्रेशन है। ठीक हो गया, ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ माइटोल स्टेनोसिस। तो माइटोल स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बलून वेल्वुलोप्लास्टी होता है, बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट में वारफेरिन देते हैं एंटी एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए, ओके, एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए रेट को कंट्रोल करेंगे, अगर कोई पल्मोनरी एडिमा हो तो डायुरेटिक इस्तेमाल करेंगे, एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस की जरूरत नहीं होती। मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बलून वेल्वुलोप्लास्टी है, लेकिन अगर आपको माइटोल रिगर्जिटेशन देखने को मिले या इमोबाइल कैल्सिफाइड वाल्व है या फिर थ्रोम्बस देखने को मिले, तो इस केस में आपने क्या करना है? माइटोल वाल्व की रिप्लेसमेंट करना है या वेल्वोटॉमी करनी होती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, माइटोल रिगर्जिटेशन है। माइटोल रिगर्जिटेशन में आपको आपने कौन कौन सा चीज़ें पढ़नी है, ओके, तो कॉजेज ऑफ माइटोल रिगर्जिटेशन, वन सेकंड, मोस्ट कॉमन काजेज रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है। इसके अलावा माइटोल वाल्व प्रोलैप्स है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या MI की वजह से देखने को मिल सकता है, या Ehlers-Danlos सिंड्रोम की वजह से आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन वन सेकंड, एक्सरे ECG MRI वगैरह करा लोगे? नहीं, एक्सरे ECG और इकोकार्डियोग्राफी है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी है। ECG करा लोगे क्या मिलेगा? ECG पर बाइफिट PVF होती है, चेस्ट एक्सरे पे लार्ज लेफ्ट एट्रियम होता है, लार्ज लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, पल्मोनरी वीनस कंजेशन होती है, पल्मोनरी एडिमा होता है, क्लियर। और वन सेकंड, जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है वो कार्डियक कैथेटराइजेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस इसमें डॉपलर इको लिखा हुआ है। साइन सिम्टम ऑफ MR क्या होता है? MR में आपको क्या मिलता है, ओके, पैन सिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है, जो कि एपेक्स पे होता है, रेडियर कर देता है, एक्सिलर पर सॉफ्ट S1 होता है, वाइड सप्लेटिंग ऑफ S2 देखने को मिलती है, S3 हो सकता है ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये चीज़ें मैंने बता दिया, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और दोनों एट्रियल फिब्रिलेशन करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ MR, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में सेम है कि आपने वारफेरिन देनी है एंटी फिब्रिलेशन के लिए, डाइजोक्सिन देनी होती है, ओके, और आफ्टर लोड को कम करना है तो आप ACE इनहिबिटर ऐड कर दोगे या ARB से ऐड कर दोगे। सर्जरी के अंदर क्या है, ओके, सर्जरी के अंदर आपने क्या करनी होती है? माइटोल रिगर्जिटेशन में इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है? वेल्वुलोप्लास्टी होती है, माइटोल वेल्व रिपेयर होता है, ठीक है। और माइटोल वेल्व की रिप्लेसमेंट कब करोगे? जब इजेक्शन फ्रैक्शन 60 से कम हो जाएगा या लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सिस्टोलिक डायमीटर 40 से ज़्यादा हो जाएगा,
ओके, इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है एओर्टिक स्टीनोसिस, नहीं इसके बाद एक और भी है। ओके, एओर्टिक स्टीनोसिस के जो काजेज होते हैं, काजेज के अंदर आपको पता है कि वंस अगेन इन्फेंट में जो काज होता है कॉन्जेनिटल बाइकस्पिड होता है, यंग अडल्ट में कैल्सिफाइड होता है, और एल्डरली में सिनालिटी जनरेटिव होता है। क्लिनिकल फीचर में सैड रट्टा मालेना सिनकोपी एंजाइना एक्सर्शनल डिस्पनिया होता है, इसके अलावा इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है, जो कि रेडिएट करा कैरोटिड पर नैरो पल्स प्रेशर होता है, पल्सेस पारवा सी टार्टस आपको देखने को मिलता होता है केस में, ठीक। ओके, पल्सेस पारवा सी टार्टस होता है, एपेक्स स्पीड डिस्प्लेस नहीं होती, सस्टेंड होती है, वेल सस्टेंड हीविंग होती है, सॉफ्ट ए टू होता है, लो वॉल्यूम पल्स होती है, स्लो राइजिंग पल्स होती है, एनाक्रोटिक पल्स होती है, पल्सेस पारवा सी टार्टस होता है। ओके, क्रिसेंडो डिसक्रिसेंडो इजेक्शन सिस्टोलिक या मिड डायस्टोलिक मिड सिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है, कैरोटिड पर जा रहा होता है, क्लियर। और जो सीवियर ईएस के जो फीचर्स होते हैं, वो सीवियर ईएस के क्या फीचर्स होते हैं, लाइक अगर लेट मर्मर है, सॉफ्ट एस वन है, पैराडॉक्सिकल सप्लेटिंग ऑफ एस टू है, ए टू साउंड नहीं सुनाई दे रही, पल्सेस पारवा सी टार्टस है। इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट क्या होती है, वन सेकंड, एक्सरे ईसीजी इकोकार्डियोग्राफी है, डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है, और ट्रीटमेंट के अंदर वाल्व की रिप्लेसमेंट आ जाती है। लास्ट टॉपिक है हमारा, एओर्टिक रीगर्जिटेशन। एओर्टिक रीगर्जिटेशन का भी जो मोस्ट कॉमन काज है वो क्या होता है, रूमेटिक फीवर होता है, इसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन या फिर क्रॉनिक डाइसेक्शन की वजह से हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेम इन्वेस्टिगेशन है, साइन सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं, इसमें कोलैप्सिंग पल्स होती है, वाटर हैमर पल्स होती है, कोरिकान पल्स होती है, वाइट पल्स प्रेशर होता है, क्विंकी पल्स क्या होती है, विजिबल पल्सेशन ऑफ फिंगर नेल बैट है, मुस्टर्ड साइन क्या होता है, हेड की बॉबिंग को बोलते हैं, पिस्टल शॉट पल्स को क्या बोलते हैं, ट्रॉपी पल्स कहते हैं, डायस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है, फोर्थ हार्ट साउंड आपको सुनाई देती है, एस4 आपको सुनाई देती है, और हैविंग हीविंग अपेक्स बीट आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये पॉइंट्स आपने रट्टा मार लेने हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एआर तो क्या होता है, एस इनहिबिटर दे दोगे हाइपरटेंशन के लिए, साल्ट की रिस्ट्रिक्शन कर लोगे, और जो मेन ट्रीटमेंट है वो एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट होता है। एओर्टिक वाल्व की जो रिप्लेसमेंट होती है ना, दो तरह की होती है, क्लियर, नहीं बल्कि वो तो एओर्टिक स्टीनोसिस में थी, सर्जिकल या ट्रांस कैथेटर। सर्जिकल आप लो टू इंटरमीडिएट में करते हैं, और ट्रांस कैथेटर प्रोहिबिटिव सर्जिकल रिस्क में करते हैं।